अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप सब लोग आ, सबसे पहले जी अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें अटेंडेंस मार्क करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस डन लिख के जाएं डन लिख के सिर्फ आप मुझे कमेंट करें ताकि मुझे आईडिया हो जाए कि आपने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है उसके अलावा यहाँ पे ग्रुप में जो है अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो लैब मैनेजर हैं सरफराज उन्होंने यहाँ पर एक पोस्ट की है जिसमें लास्ट uh, फ्राइडे को जो बच्चे एब्सेंट uh, absent थे की जो लिस्ट है वो शेयर कर दी है आप प्लीज एक दफा इसको रिव्यू कर लें अगर आपका नाम भी इसमें है और आपने अटेंडेंस मार्क की थी तो आप उनसे कंसर्न कर लें आप इवन इस पोस्ट के नीचे जो है अगर आप कमेंट करेंगे तो यहाँ पे भी वो आपको रिप्लाई कर देंगे आप अपना इशू उनके साथ जो है वो डिस्कस करें उनको टैग कर दें वो आपको रिप्लाई कर देंगे और काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस यहाँ पे मार्क नहीं हुई हुई और उनके नाम यहाँ पे जो है वो आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप सब लोग कैसे हैं और प्लीज अपनी अटेंडेंस जो है वो आप लोग सबसे पहले मार्क कर लें ताकि कोई भी उसमें एबसेंट जो है वो ना हो आपकी अटेंडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए ओके okay, uh, अभी भी यहाँ पर जो है मुझे uh, कुछ बच्चों के जो है मैसेजेस आ रहे हैं uh, जो कि रिगार्डिंग फीडबैक फॉर्म के हैं तो uh, मैं बार बार एक ही बात आप लोगों से कह रही हूँ कि अगर इश्यू हमारे एंड पे है तो उसमें आपका कोई भी ऐसेज लिंक नहीं है अगर आपको कोई इश्यू इस तरह का आ रहा है कि जिसमें हमारी तरफ से एरर आ रहा है या हमारी तरफ से उसमें आ रहा है तो उस चीज को हम खुद ही सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर देंगे अभी फॉर द टाइम आपको उसको फोर परेशान होने की जरूरत नहीं है इन हम उस चीज को सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट वीक में कर देंगे लेकिन आपका जो चीजें हैं जिस तरह से आपकी परसेंटेज है उस हवाले से या फिर आपके जो फीडबैक का होता है हमारे लिए चीजें नंबर ऑफ फीडबैक उसमें हम उस चीज को मर्ज कर लेंगे आप उस चीज पे परेशान ना हो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूं आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें एंड देन फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हमने फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट uh, करनी है ओके okay, अगर आपने अटेंडेंस लगाई थी तो आप लैब मैनेजर से कांटेक्ट कर लें वो आपको इसके हवाले से जो है वो गाइड कर देंगे कि आपकी अटेंडेंस क्यों मार्क नहीं हुई है अगर हुई होगी तो आपका नाम जो है वो रिमूव कर देंगे आपको बता देंगे तो आप उनसे जो है वो कंसर्न कर लें प्लीज़ आप लोग सब अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें और अटेंडेंस मार्क करने के बाद मुझे इग्नॉलेज कर दें इग्नॉलेज करके आप मुझे अपडेट कर दें कि आपने अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर ली है आपकी अटेंडेंस अगर मार्क हो जाएगी तो देन हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रीलांसिंग के हवाले से है फाइवर के हवाले से है और आज हम फाइवर की प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करेंगे कि किस तरह से आप एज अ फ्रीलांसर जो है वो फाइवर पे काम कर सकते हैं उस हवाले से आप सबको जो है वो मैं गाइड करूंगी आपकी जो भी क्यूरी होगी वो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा फीडबैक uh, का जो है वो इस वीक में आप लोग को बता दिया जाएगा अगर ये इश्यू सॉल्व नहीं हुआ इसमें आप लोगों का को कोई भी नहीं है इश्यू uh, आपके एंड पे कोई भी नहीं है इसको हम अपने एंड पे जो है सॉल्व कर लेंगे और आपने परेशान नहीं होना इस चीज को लेके आपकी आपका फीडबैक जो है वो सबमिट नहीं हुआ आपका फीडबैक जो है वो नेक्स्ट वीक में सबमिट हो जाएगा और हम उसको आगे फर्दर मर्ज कर लेंगे ओके okay, अः uh, यहां पर जो है आज सबसे पहले मैं आप लोगों को फाइवर के हवाले से बताऊंगी फाइवर पे किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारे uh, जॉब जो uh, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था उस पर काम कैसे करना है वो चीजें भी इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती रहूंगी और आप लोगों से शेयर करती रहूंगी अः uh, तो वो चीजें सारी चलती रहेंगी अभी हमने फॉर द टाइम आप में से वो बच्चे जिनके पहले अकाउंट हैं वो इस चीज को लें कि वो भी इसमें बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं अगर बहुत सारे बच्चे जो है वो न्यू अकाउंट बनाना चाह रहे थे तो उनके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं तो आप लोग इस चीज को लें देखें और जिनके अभी तक अकाउंट नहीं बने हुए जिन्होंने नहीं, नहीं बनाए हुए तो वो इस वीडियो के बाद ये जो आपके साथ आज मैं शेयर करूंगी कि किस तरह से आप फाइवर पे ज्वाइन कर सकते हैं और इसको कैसे अकाउंट अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं उसके बाद आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है आप लोगों ने साथ साथ जो है चीजें आप देखें पहले उसके बाद जो भी आपके माइंड में सवाल आए जो भी चीजें आपके माइंड में आएंगी वो आप जरूर बताइएगा ओके अः यहाँ पे जी आपका कमेंट आया कि अटेंडेंस लिंक ओपन नहीं हो रहा अटेंडेंस लिंक बिल्कुल ओपन हो रहा है अगर ओपन नहीं हो रहा होता तो इतने ढेर सारे जो बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि हमारी अटेंडेंस हमने लगा दी है तो ऐसा कैसे हो सकता था तो अगर ये आप दोबारा से इसको करके देखो और एक और चीज मैं आपको बता दूं जो हमारा अटेंडेंस फॉर्म है वो हमारा जीमेल के साथ होता है गूगल फॉर्म है तो जीमेल अकाउंट आपका लॉगिन होना चाहिए अगर आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन नहीं है तो फिर आप जो है उस चीज को नहीं कर सकते हैं जी जी ताहिर आपका भी जो इशू है इसमें कोई इशू नहीं है अगर आपने जो आपके पास ऑप्शन उप्ष, जो थे वो ओपन हुए आपने फीडबैक सबमिट करवा दिया बाकी नहीं हो रहे थे आपने नहीं किया उसमें ऐसे इशू नहीं है नेक्स्ट वीक में आप लोगों का हम कर लेंगे इशू हमारे एंड पे है तो इस मीन की आपकी प्रॉब्लम नहीं है ये हमारा इशू है हम इसको सॉल्व करके आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे ओके okay, आप लोग प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाएं जितने भी स्टूडेंट इस टाइम पे ज्वाइन कर हैं क्लास को वो साथ साथ जो है अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाएं इग्नोलेज करते जाएं और मैं आज जो है हमारा टॉपिक उसमें फाइवर अकाउंट हम क्रिएट करेंगे एंड देन हम जो है फाइवर की जॉब्स के हवाले से किस तरह से हम फाइवर पे काम कर सकते हैं ओके okay, जी नो no इश्यू अगर आप लोग फीडबैक फॉर्म के हवाले से परेशान ना हो उस चीज को हम सॉल्व कर लेंगे और फिर हम आपको अपडेट भी कर देंगे ओके okay, सबसे पहले फाइवर पे जब आपने आना है फाइवर पे ज्वाइन करना है तो आ, यहां पर अगर आप टॉप पे यहां पर देखें इस मेन्यू में जो ऊपर आ रहा है यहाँ पर ये जो ऊपर टॉप हेडर आ रहा है यहां पे यह एक बटन आ रहा है ज्वाइन का एक साइन इन का आ रहा है और एक ज्वाइन का आर है अगर आपने फर्स्ट टाइम आए आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने सबसे पहले ज्वाइन करना है इसको तो ज्वाइन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे एक जिस तरह से ये मेरे पास एक टैब ओपन हो गया है मीन्स की इसके ऊपर एक बैनर आ गया है जो कि कुछ ऑप्शन दे रहे है कि ज्वाइन फाइवर कंटिन्यू विद फेसबुक है कंटिन्यू विद गूगल है कंटिन्यू विद एप्पल है और ईमेल है आपने क्या करना है कि इन तीनों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना उसकी रीजन मैं आपको बता देती हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी किसी भी इशू की वजह से आपका फेसबुक अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है या आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है कुछ भी हो जाता है बहुत सारे इशूज हो जाते हैं हमारे यहाँ डेली रूटीन में जब हम काम कर रहे होते हैं फेसबुक पे तो ऐसे इशू हमें फेस करना पड़ते हैं जिसमें हमारी प्रोफाइल जो है कई दफा सस्पेंड हो जाती है ब्लॉक हो जाती है वो लॉग नहीं हो रही होती है कोई सिक्योरिटी इशू हो जाता है तो इसलिए हम लोग जो है फाइबर को कंटिन्यू नहीं करेंगे फेसबुक के साथ क्योंकि अगर हम उसके साथ करते हैं कल को हमारी फेसबुक प्रोफाइल को अगर कोई भी इश्यू आता है आ, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसमें तो हमारा जो फाइबर का अकाउंट है वो भी लॉग इन नहीं होगा दैट्स वाई हम लोग इसको जो है इसके साथ कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं इसके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास है लॉग इन विद गूगल है इस ऑप्शन पे भी पहले तो हम लोग काम कर रहे थे लेकिन अब हम इस पर नहीं कर रहे होते उसकी रीजन भी ये है कि अब हमारे पास जो काम है बहुत दफे ऐसे होता है कि आपका जो uh, फाइबर uh, है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता इवन uh, बहुत सारे अकाउंट जो है बच्चे बनाए हुए थे गूगल के साथ जिसमें विद गूगल था वो फुल ओपन है तब तो आप उसको यूज कर रहे होते हैं लेकिन अगर आप फर्दर उसको ओपन uh, करना चाहेंगे साइन इन करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए इसके, इसके साथ भी नहीं करना एप्पल के साथ भी ना करें उसके बाद जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अः uh, आप में से जितने भी स्टूडेंट है जो काम करना चाहते हैं नई प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है। आप लोगों ने इसको यहां से ईमेल के साथ जो है इसको कंटिन्यू करना है और आपने यहाँ पे अपना ई एड्रेस जो है वो एड करना है अब ईमेल एड्रेस के भी थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताती जाती हूँ कि ईमेल एड्रेस आपको कौन सा होना चाहिए कैसा होना चाहिए उस हवाले से ओके okay, मैं आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं इनका मैं रिप्लाई करती हूँ so, उसको हम थोड़ा सा कवर कर लें उसके बाद मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनको भी ऐड करती हूँ ओके okay, मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि आपने जो फाइवर ज्वाइन करना है इसको फाइवर को तो वो किस तरह से आपने करना है कि आपके पास ये ऊपर तीन ऑप्शन आ रहे हैं इन तीनों ऑप्शंस के साथ आपने इसको कंटिन्यू नहीं करना सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसको ई एड्रेस के साथ कंटिन्यू करें अब आपने यहां पर जो है इसका अपना ई एड्रेस एड करना है और ई एड्रेस भी वो एड करना है जो जी का ईमेल एड्रेस होगा जी मेल में जो आपके पास होगा आपने कभी भी उस जी मेल आई डी के साथ भी आई डी के साथ नहीं करना जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं तो यूनिवर्सिटी आई डी होती है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ई मेल एड्रेस मिला होता है आप लोग उस पर कंटिन्यू कर लेते हो उसपे ऐड करके वो ई मेल एड्रेस यूज कर लेते हो या कोई और अदर ई मेल एड्रेस जो है वो यूज कर लेते हैं उसका भी नुकसान यही होता है कि अगर आपकी पीछे से वो ब्लॉक कर दें आपकी आई डी तो आपके पास एक्सेस नहीं उसकी होगी और आप यहाँ पे भी उसको आगे तो लॉग इन नहीं कर सकेंगे बाद में अपना अकाउंट तो ये अकाउंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपने इस पे मेहनत की होती है आपके जब आप इस पे काम करेंगे आपकी अर्निंग्स इसमें आएंगी तो अगर आपके किसी भी रीजन की वजह से आपकी आई ब्लॉक हो जाती है या उसको लॉगिन नहीं कर पाते उसकी एक्सेस आपके पास नहीं रहती है तो आपका लॉस हो जाएगा तो इसलिए कोशिश करें कि यहाँ पर जो भी ई एड्रेस आपने यूज करना है वो जी का हो उसके ऊपर आपकी एक्सेस हो और वो आप अपने पर्सनल यूज के लिए ही उसको यहाँ पर यूज करें कोई भी ऐसा ईमेल एड्रेस वगैरह यूज ना करें जो कि आपको किसी यूनिवर्सिटी से मिला हो या कहीं से आप अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका वहां पे ईमेल एड्रेस हो देन वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे यूज करें आप अपना एक पर्सनल जीमेल का जो ईमेल आईडी होती है वो आपने यहाँ पर एड करनी है ओके okay, अब आप के यहाँ पर फीडबैक के हवाले से बहुत ज्यादा कमेंट आ, आ रहे हैं और मैं अगेन बार बार एक बात कह रही हूँ कि फीडबैक अभी बेटा यहाँ पर नहीं है आप लोगों का थर्सडे और फ्राइडे को फीडबैक जो है वो हम लोग आप लोगों ने सबमिट करवाना होता है वो हम आपको चीजें बताएंगे हर चीज आपके साथ शेयर करेंगे उसके बाद जो है वो आप लोगों ने करना है लेकिन अभी आप लोग जो है वो बार बार उस चीज को आ, डिस्कस कर रहे हैं ऐसे जैसे कि आज आपने फीडबैक फॉर्म सबमिट करवाना है अगर लास्ट क्योंकि लास्ट वीक में ये इश्यू आ गया था कि हम आ, आप लोगों का फीडबैक फॉर्म जो है वो नहीं सबमिट हो रहा था उसमें इश्यूज आ रहे थे तो उसको अभी तक हमारी टीम जो है उसको सॉल्व कर रही है इन वीक में जो है वो हम सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर देंगे तो आप सबमिट करवा दीजिएगा अच्छा जी मैम जिसके पास लैपटॉप नहीं है क्या वो मोबाइल फोन पे फाइवर अकाउंट बना सकता है फ़ाइबर अकाउंट जो है अगर आप लैपटॉप पे बनाओ तो ज्यादा बेस्ट है मोबाइल फोन पे जो है बन जाता है लेकिन आप उस तरह से चीजें नहीं कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते जिस तरह से आप लैपटॉप पे कर सकते हैं तो मैं ज्यादा जो है रिकमेंड करती हूँ आप सबको कि आप लोग लैपटॉप ही यूज करें और यहाँ पे एक, एक और चीज मैं आपको बता दू हमारे इस कोर्स में जो बच्चे इनरोल है हमारा उनसे पहले ये कंसर्न होता है कि आपके पास आपका खुद का लैपटॉप होना चाहिए अगर आपके पास अपना खुद का लैपटॉप नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे कोई इश्यू नहीं है उसको और अभी फॉर द टाइम उसको डिस्कस ना करें क्योंकि इंशाल्लाह हम आपके साथ दोबारा से करेंगे आप लोग अगेन जो है वो बार बार उसी चीज को जो है वो कर रहे हैं डिस्कस फीडबैक फॉर्म फीडबैक फॉर्म के हवाले से लेकिन ऐसे जो कोई इश्यू नहीं है मैं इसलिए यहाँ पे जो फीडबैक फॉर्म के हवाले से आ रहे हैं मैसेजेस कमेंट उनको मैं इग्नोर कर रही हूँ अच्छा जी मैम मैंने अपनी जी मेल आई डी बनाई हुई है उसको वो यूज कर सकती हूँ बिल्कुल जी जी मेल आई डी अपनी जो आपने खुद बनाई हुई है उसको यूज कर सकते हैं उसमें एसेज कोई इश्यू नहीं है बिल्कुल जी जी मेल की कोई भी आईडी है जो आपने खुद बनाई हुई है उसको आप यूज कर सकते हैं इवन न्यू जी मेल अकाउंट है अगर आपका आप उसको भी फाइवर पे यूज कर सकते हैं उसमें एसेज कोई इशू नहीं है अगर आप हॉटमेल यूज कर रहे हो तो आप हॉटमेल भी यूज कर सकती हैं उसमें भी कोई इशू नहीं है याहू अगर आप पहले से यूज कर रही हैं उसको भी यूज कर सकते हैं मसला जो चीजें मैंने आपको बताई है कि वो आपका पर्सनल चीज होनी चाहिए इट्स नॉट अप टू यू के अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक आईडी मिली होती है वो उनके डेटाबेस में चीजें होती हैं वो कुछ टाइम के बाद जो है अगर आप यूनिवर्सिटी से फ्री हो चुके हैं तो वो डिलीट कर देंगे आपका और आपका अकाउंट आपके पास उसकी एक्सेस नहीं रहेगी तो इसलिए वो अकाउंट यूज करें जिसकी एक्सेस आपके पास हो uh, आप उसको लॉग आउट करके न्यू नहीं बना सकती हैं अगर आपने अपना नया अकाउंट बनाना है अगर आपके पास पहले से अकाउंट है उस पर आपने कोई एक्टिविटी नहीं की आप उसी को कंटिन्यू कर लें आप उसी को आगे लेके चलें और लेकिन अगर आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसको लॉग आउट नहीं करना उसको डीएक्टिवेट करना है उस अकाउंट को डीएक्टिवेट करके फिर आपने नया अकाउंट बनाना है उससे पहले नहीं बनाना बिल्कुल जी उसमें वो चेंजिंग करके उसी अकाउंट को चला सकते हैं ज़रूरी नहीं है बेटा कि आपने नया अकाउंट बनाना है मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो बात कर रही हूँ उसमें भी मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ कि जिन्होंने अभी तक नहीं बनाए हुए वो इस चीज़ को फॉलो करें जिन जिनके बने हुए हैं वो इस चीज़ को ना करें वो उस चीज़ को इग्नोर कर दें Uh, अगर बेटा आपके लास्ट वीक के सेशन रह गए थे तो कोई इशू नहीं है क्योंकि लास्ट वीक में मैंने ऐसे कुछ भी नहीं करवाया था आई नो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस वीक से कंटिन्यू कर रहे थे तो हमने बस रिवाइज की थी कुछ चीजों को जो है वो हमने डिस्कस किया था ना कि हमने कुछ भी ऐसे बहुत मेन टॉपिक हम मैंने नहीं करवाया था आज से ही तो हमारी प्रॉपर क्लासेस जो है वो स्टार्ट हुई हैं एक तरह से आप कहें अब हम डेली बेसिस पे जो टॉपिक होंगे उनको हम आगे फर्दर लेके चलेंगे आ, बिल्कुल जी मैं इस चीज को मेरी भी कोशिश होती है लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अभी हमारे सेशन का बिल्कुल स्टार्ट है और इसलिए मैं इन चीजों को इन सवालों को जो है वो साथ-साथ क्लियर करना चाह रही थी क्योंकि मैं जो टॉपिक करवा रही थी उसमें इतने ज्यादा कमेंट आ रहे थे फीडबैक के हवाले से तो मैं बच्चों को गाइड कर रही थी आ, उसी चीज से लेके बाकी आप लोगों के यहाँ पे अब के आ रहे हैं सवाल के आप कमेंट आ रहे हैं कि आप अपना लेक्चर कंटिन्यू करें तो उसी को कंटिन्यू करने लगी हूँ आप लोग जितना ज्यादा कमेंट करेंगे उतना ज्यादा मेरे लिए चीजें जो है वो मुश्किल हो जाती है ओके okay, मैं यहां से बैनर रिमूव कर रही हूँ अटेंडेंस मार्क का आप लोग अटेंडेंस जो है वो जैसे जैसे ज्वाइन करें अटेंडेंस मार्क करते जाइएगा ओके okay, मैं थोड़ा सा जो चीजें अगेन रिपीट कर देती हूँ ताकि अभी जिन बच्चों ने ज्वाइन किए क्लास उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए uh, सबसे पहले आपने फाइवर डॉट कॉम पे आना है यहाँ पर टॉप मेन्यू में जो अगर आप देखें तो यहाँ पे लास्ट पे जो है ज्वाइन का बटन बना हुआ है इस बटन पे आपने क्लिक करना है अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको मिल रहे हैं जैसे कि ये तीन ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं कि कंटिन्यू विद फेसबुक है कंटिन्यू विद गूगल है कंटिन्यू विद एप्पल है आपने इन तीनों ऑप्शन को स्किप कर देना है इन तीनों ऑप्शन के साथ आपने कंटिन्यू नहीं करना क्योंकि इसमें कभी भी कह, कोई भी इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं लॉग इन नहीं कर सकते हैं साइन इन नहीं कर सकते हैं तो इसलिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है ये ई का यहाँ पे अगर आप देखें इन ऑप्शन के बाद ये टैब बनी हुई जहाँ पे आ रहा है कि एंटर योर तो आपने यहाँ पे अपना ई मेल एड्रेस एड करना है जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना एक जी मेल का आई डी एड कर दी है वो ई मेल एड्रेस एड करें जिसकी एक्सेस आपके पास हो आप अपना किसी भी कोई भी जॉब का या फिर यूनिवर्सिटी का ईमेल एड्रेस यूज ना कीजिएगा उसके अलावा जीमेल हॉटमेल याहू कोई भी ईमेल एड्रेस है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होते हैं एक तो उसमें आ रहा होता है चूज यूजर नेम और चूज पासवर्ड यूजर नेम क्या है आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है आपका यूजर नेम कोशिश करें कि अपना यूजर नेम जो है आपका जो रियल नेम है वो आप रखें यहाँ पर अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा आप उसको थोड़ा सा अ, उसकी प्लेस चेंज करके देख लें बहुत लेंथी ना रखें शॉर्ट सा रखें टू uh, रखें फॉर uh, एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल uh, बता देती हूँ जैसे कि यहाँ पे मैंने नौरीन रखा तो यहाँ पे इसका एरर आ गया ऑलरेडी ये यूजर नेम जो है वो कोई ले चुका है मैंने क्या किया डॉट एड कर दिया और इसके बाद मैंने बशीर लिख दिया ये भी ऑलरेडी ले चुका है कोई मैं इसको ऐसे कर देती हूं मैंने नौरीन अहमद कर दिया ये भी ऑलरेडी कोई ले चुका है मैं स्पेलिंग चेंज करके देखे वो भी इसको यूज कर चुका है कोई तो so, इस तरह की चीजें जो है वो हो जाती हैं लेकिन इस चीज़ पे पर आपने परेशान नहीं होना आप इस चीज को बहुत इजीली जो है वो कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ नॉर लिखा है उसके बाद मैं इसमें कुछ और ऐड कर देती हूँ वो कोई की हो सकता है कोई वर्ड हो सकता है जो कि मेरी स्किल से रिलेटेड हो जैसे कि मेरी स्किल है आ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहती हूँ तो मैं उससे रिलेटेड भी चीजों को ऐड कर सकती हूं जैसे कि मैंने यहां लिखा है एस यू अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने इस टाइम पे जो है यहाँ पर लिखा है नॉरिन एसयू एक्सपर्ट ठीक हो गया ये मैंने अपना यूजर नेम जो है यहाँ पर रख लिया है आपने क्या करना है आपने अपना नाम लिखा उसके बाद कोई भी स्किल लिख लें आप में से बहुत सारे लोग जो है वो मल्टीपल स्किल्स पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नॉरिन एक्सपर्ट जिस मैं अपना नेम के साथ जो है वर्ड ऐड करी एक्सपर्ट का आप वो ऐड कर ली कुछ भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं आप आइडियाज ले सकते हैं बहुत सारे लोग जो है जो पहले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इवन मैंने टेक लिख लिया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी इस तरह का जो है आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं ठीक है तो इवन uh, राइटिंग का वर्ड आप यूज कर सकते हैं अगर आप राइटिंग का, का काम करना चाहते हैं आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है आप वो ऐड कर सकते हैं आप इसमें बहुत सारी चीजें हैं आप वो ऐड करें ठीक है अब यहां पर जो है पासवर्ड आपने रखना है पासवर्ड जो है वो आपका जरा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए और एक और चीज मैं यूजर नेम के हवाले से पहले थोड़ा सा इसको आगे कर देती हूँ इसको अब मजीद इसमें आपके साथ चीजें शेयर कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई वर्ड में नहीं मिल रहा आप पहले तो अपना कम्प्लीट नेम कोशिश करें लेकिन अगर आपका कम्प्लीट नेम ज्यादा करेक्टर्स का है ज्यादा लेंथी है तो आप ना रखें कोशिश करें कि आप अपना फर्स्ट नेम ऐड कर लें उसके बाद या तो आप कोई भी इस तरह का वर्ड यूज कर लें जैसा एक्सपर्ट हो गया मैंने टैग लिख लिया आप कोई और इस तरह के वर्ड देख लें वो आप रखें उसके अलावा जो है आप नंबर अगर रखना चाहते हैं तो नंबर बहुत इजी से रखें कि आपकी प्रोफाइल जो है लोगों को याद रहे अगर आपने कुछ इस तरह के दो तीन इस तरह के वर्ड्स ऐड कर दिए जिस तरह के मैंने अभी ऐड किए हैं रैंडमली ऐड किए तो इस तरह के अगर आप रखेंगे तो वो आपको भी याद नहीं रहेंगे और आपके जो क्लाइंट होगा बायर होगा उसको भी याद नहीं रहेंगे तो इसलिए कोई शॉर्ट सा नेम रखें शॉर्ट से वर्ड्स रखें ताकि वो उसको याद रहे नहीं तो आप इस तरह से जो है वो जीरो वन ऐड कर दिया नॉरिन जीरो वन मेरा यूजर नेम बन जाएगा लेकिन कुछ भी ऐसे रैंडम जो है वो आपने ऐड नहीं करने आप कुछ इस तरह के रख सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा जो है बहुत ज्यादा नंबर्स और बहुत सारी चीजें इस तरह की ऐड नहीं करनी कि आपके बायर को आपका यूजर नेम भूल जाए आपका यूजर नेम बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है आपके बायर के लिए कि वो आपसे दोबारा कॉन्टेक्ट कर सकता है तो इसलिए कोशिश करें कि इन चीजों पर जो है वो आप इसको बेहतर तरीके से आगे लेके चले अब यहाँ पे आपने पासवर्ड का जो है पासवर्ड जो है वो आपका स्ट्रोंग पासवर्ड होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोफाइल्स जो है फाइवर की हैक हो जाती हैं उसकी रीजन यही है कि वो पासवर्ड बहुत ज्यादा वीक रखा होता है मोस्टली बच्चों ने तो यहाँ पे आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इसमें कैपिटल लेटर्स लेटर्स स्मॉल और इसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो ऐड करने नंबर्स ऐड करने हैं और फिर जो है अगर आप यहाँ पर भी देखें तो यही चीज मैंशन uh, की है कि आप इसमें जो है नंबर्स uh, भी ऐड करें इसमें कैपिटल लेटर और उसके अलावा जो है स्मॉल uh, लेटर्स जो है वो ऐड करें इसमें और उसके बाद जो है वो अपना पासवर्ड इसमें क्रिएट करें तो यहाँ पर जो है मैं पासवर्ड रख रही हूँ आपने भी इसी तरह से जो है एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लें और एक इजी सा पास ईजी नहीं होना चाहिए लेकिन आपको जो याद रहे अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी आप अपनी प्रोफाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे थोड़ी सी होगी उसके बाद आप फॉरगेट पासवर्ड करके जो है अगेन रीसेट कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें ये नहीं कि आपने आज प्रोफाइल बनाई और कल आप मुझे कह रहे हो कि मैम मुझे तो अपनी प्रोफाइल का पासवर्ड ही भूल गया हुआ है तो मुझे अब मैं क्या करूं ये ना आए इसलिए जो भी पासवर्ड आपने रखना है कोशिश करें उसको अपने स्टिकी नोट पे अपने सिस्टम में <coughs> सॉरी अपने सिस्टम में या फिर अपने मोबाइल फोन में कहीं सेव कर लें अपने फाइवर uh, प्रोफाइल का जो पासवर्ड आप रख रहे हैं उसको ताकि अगेन जब आपने इसको लॉग करना है तो आपको याद रहे ओके okay, जी यहाँ पर जो है मैंने इसको किया उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल पे जाऊंगी यहाँ पर, यहां पर जी, मेरी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है फाइवर की और यहाँ पे ऊपर एक नोटिफिकेशन आ रहे। नोटिफिकेशन आ रहा है क्या आ रहा है कि आप अपनी जो है इस अकाउंट को वेरीफाई करें एक्टिवेट करें क्योंकि अभी एक्टिवेशन की ईमेल जो है वो मेरे पास मेरे जीमेल अकाउंट पे आई होगी तो यहाँ पे मैं अपना जीमेल अकाउंट जो है वो लॉग इन करती हूँ एंड देन मैं इसको एक्सेस करती ओके okay, अब यहां पर जो है ये मेरे पास आ रहा है कि एक्टिवेट योर अकाउंट का तो मैं यहां पे क्लिक करूंगी और मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा यहां पर जी सक्सेसफुली एक्टिवेटेड Uh, मेरी प्रोफाइल जो है अब यहाँ पे आ रहा है एडिट योर प्रोफाइल का ठीक है तो आपने इस पे क्लिक करना है तो आप अपनी प्रोफाइल पे चले जाओगे उसके अलावा थोड़ी सी चीजें मैं आपको और मजीद इसमें समझाती हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं यहां पर यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे, पे आए तो यहाँ पे आ रहा है फुल नेम का क्योंकि अभी तक जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी ज्वाइन करते हुए उसमें यूजर नेम था ईमेल एड्रेस था और पासवर्ड का ऑप्शन था लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास फुल नेम का आ रहा है तो आपने अपना यहाँ पे फुल नेम ऐड कर देना है जो भी आपका फुल नेम है आपने कोई भी एस एज नहीं कोई भी ऐड करना अपना जो रियल नेम है जो सी एन एस सी पे आपका नंबर है सी एन एस सी कार्ड पे वही नाम जो है वो आप यहाँ पर ऐड करें कोई उसको जरूरत नहीं है आपको उसमें ऐड करने की जिस तरह से आप लोग फेसबुक पे फेक नेम और बहुत फैंसी से नाम यूज कर रहे होते हैं तो वो चीजें ऐड करने की इसमें जरूरत नहीं है उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे ये यह जो आपका अगर आप देखें यहाँ पर ये यह बिल्कुल कॉर्नर पे ये एन लिखा हुआ आ रहा है और इसके ऊपर ये ग्रीन कलर का एक बना हुआ है मीन आप एक्टिव हैं आपकी प्रोफाइल जो है इस टाइम पे आप ऑनलाइन हैं आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है आपने इस प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पर ये यह आपकी प्रोफाइल आ जाएगी उसके अलावा यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखें यहाँ पे ये जो बार आ रही है जहाँ पे लिखा हुआ है फाइवर डॉट कॉम फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे आपका यूजर नेम आ रहा है ये आपकी प्रोफाइल का लिंक है क्योंकि आपने अपनी प्रोफाइल का लिंक मेरे साथ भी शेयर करना है मुझे सबमिट भी करवाना है तो उस हवाले से भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि ये आपकी प्रोफाइल का लिंक है उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है अः यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपडेट करनी है इवन उसके अलावा यहाँ पे एक आप टैग लाइन एड कर सकते हैं अपने बारे में एड करें एक लाइन है दो से तीन वर्ड्स आप जो है वो इसमें लिख सकते हैं उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्रॉम में आपकी लोकेशन आ रही है पाकिस्तान से है एंड देन टाइम पे जो है वो आपने इसको किया है एज अ मेंबर वो टाइम नवंबर है और 2020 जो है यहाँ पर आ रहा है उसके अलावा यहाँ पे आपने अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होती है अपने बारे में बताना होता है आ, किस तरह की डिस्क्रिप्शन होगी किस तरह से आपने ऐड करना है वो भी चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसके अलावा यहाँ पर जो है ये लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा होता है जिसमें आप जो जो जुबान समझते हैं आप बोल सकते हैं लिख सकते हैं जिसमें बात कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ वो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है ओके okay, उसके बाद यहाँ पर लिंक्ड uh, अकाउंट्स का आ रहा है लिंक्ड अकाउंट्स में जो है गूगल है फेसबुक है एंड देन अदर सम अकाउंट्स है uh, जो कि आपके सोशल अकाउंट्स कहा जाए आप इनके ऊपर जो है आपकी प्रोफाइल्स होंगी इन प्रोफाइल्स को जो है यहाँ पे लिंक करना होता है आपने और इस सिंपल आपने क्लिक करना है एक टैब ओपन होगा और जिसमें आपको उसके साथ कंटिन्यू करना है तो वो खुद बहुत लिंक हो जाएगा बहुत ईजी है मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके भी यहाँ पर बता देती हूँ थोड़ी देर में उसके अलावा यहाँ पे आपके स्किल्स आ रही हैं स्किल्स में आपने अपनी स्किल्स जो है वो ऐड कर देनी है राइटिंग की है डाटा एंट्री की है विचुअल असिस्टेंट की है उसमें काफी सारी हैं जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके बताती हूँ अभी सिर्फ फ्रेंडमली मैं आपको एक लेयर समझा रही हूँ चीज़ें बता रही हूँ जो कि इसमें रिक्वायर्ड होती है उसके बाद यहाँ पे आपकी एजुकेशन के आ है तो एजुकेशन में जो है वो आप अपनी अगर सिर्फ रिसेंट डिग्री जो है वो ऐड कर दें तो दैट्स फाइन लेकिन यहाँ पे उन बच्चों के लिए वो बच्चे जो इस्लामिक स्टडीज़ में या उर्दू में जिन जिनके सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट जो है उर्दू है या इस्लामिक स्टडीज़ है उनके लिए ये है कि वो अपनी वो स्टडीज़ या वो अपना जो अगर आपका एजुकेशन में है आपकी आपकी एजुकेशन आपकी लास्ट डिग्री जो है वो उसमें एजुकेशन सब्जेक्ट में आपने की हुई है तो वो यहाँ पर मैंशन करने की ज़रूरत नहीं है आप यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा टेक्नोलॉजी आईटी से रिलेटेड चीज़ें हैं तो आप यहाँ पे बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐड कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है उसके अलावा यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट्स हैं अगर आपने कोई भी आईटी से रिलेटेड इंग्लिश कोर्स किया होगा या कोई भी कोर्स किया हुआ वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और एक और चीज मैं आपको बता दूँ कभी भी कोई भी क्लाइंट जो आपको यहाँ पे हायर करेगा आपको काम देगा वो कभी भी आपसे नहीं कहेगा कि आप मुझे अपनी डिग्री शो करवाओ ठीक है ना ही तो वो आपसे डिग्री आपकी लेगा ना देखेगा उसका कोई कंसर्न नहीं है आपकी डिग्री से आपकी एजुकेशन से उसका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ अपने काम से होता है लेकिन अगर वो आपकी प्रोफाइल देखता है अगर आप अपनी इस्लामिक स्टडीज की या उर्दू की या कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स की अपना मेंशन uh, करते हैं कि आपने उसमें डिग्री कंप्लीट की हुई है तो वो एक अच्छा इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा होता इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि आप लोग अपनी डिग्री जो है ये वाली डिग्री जो है इस तरह से शो ना करवाएं यहाँ पे आप रेंडमली कोई भी ऐड कर दे जिस तरह से मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि आप बीएस uh, अगर आपने ऐड करना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐड कर लें कि आपकी उससे रिलेटेड जो है वो आपकी लास्ट डिग्री है आपसे कभी भी कोई भी रिक्वायर नहीं करेगा इवन फाइवर खुद भी नहीं कहता कि आप मुझे अपनी डिग्री शो करवाओ उसके अलावा यहाँ पे सर्टिफिकेट्स में है तो आप इसमें इसमेंट कोई ऐड कर लें अगर आपने किया हुआ है वो ऐड कर लें नहीं किया हुआ तो आप यहाँ पे ई रोजगार की जो नॉन टेक्निकल कोर्स आप कर रहे हैं आप उसको भी ऐड कर सकते हैं उसमें ऐसे कोई इश्यू नहीं है आप कंटेंट मार्केटिंग का ऐड कर लें आप डिजिटल मार्केटिंग का करके ई रोजगार ऐड कर दें तो वो भी आपका इसमें ऐड हो जाएगा ओके okay, तो ये आपकी जो है प्रोफाइल है अब इसको जो है स्टेप बाय स्टेप फिल करते हैं ऐड करते हैं इसमें चीजें सबसे पहले आपने इसमें अपनी प्रोफाइल जो है पिक्चर अपडेट करनी है आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर आपने जो अपडेट करनी है कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी पर्सनल जो आपकी पिक्चर है वो आप इसमें ऐड करें आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें जिसना हमारे यहाँ फीमेल बच्चियां कह रही होती हैं कि वो अपने हाथों की पैरों की तस्वीर लगा रही होती हैं। तो वो नहीं करना आपने आपने अपनी फेस की पिक्चर लगानी है आपकी फेस पिक्चर जो है अच्छी पिक्चर होनी चाहिए जिससे आपकी एनर्जी और आप की अच्छी स्माइल हो ताकि क्लाइंट को आइडिया ले सके क्योंकि फाइन ये पर्सन जो है ये मेरा मेरे, मेरे लिए जो है ये काम करेगा अः मेरे बिहाफ पे और इस तरह से चीज़ों को आप प्रेजेंटेबल बनाएं और एक अच्छी जो पिक्चर है आपकी वो आपने यहाँ पे अपडेट कर देनी है इवन uh, बहुत सारी बच्चियाँ जो हजाब करती हैं uh, अगर वो अपनी हजाब पिक्चर यहाँ पे लगा देती हैं तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है मोस्टली uh, बच्चियाँ जो हमारे रीजन से होती हैं वो हजाब पिक्चर्स ही ऐड कर रही होती है तो उसमें इतना इशू नहीं है तो आप वो पिक्चर ऐड करें इंटरनेट से लेके पिक्चर वो अपडेट ना करें किसी और की पिक्चर ना अपडेट करें किसी भी सेलिब्रिटी की कोई पिक्चर है वो अपडेट ना करें क्योंकि वो गूगल से आप पिक्चर ली होती हैं तो वो उसको पता चल जाता है तो वो इसको फेक प्रोफाइल समझेगा और वो आपकी प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर देगा सस्पेंड कर देगा तो कोशिश करें कि आप अपनी पिक्चर पर्सनल पिक्चर ऐड करें इसमें ना कि आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से लेके पिक्चर जो है वो अपडेट कर रहे हैं Uh, यहाँ पर जो आपने पिक्चर अपडेट करनी है उसके लिए आपने इस uh, ये जो आ रहा है यहाँ पर इस पे आपने क्लिक करना है इस सर्कल पे और उसके बाद यहाँ पर आपकी uh, पिक्चर्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे आपके पास टैब आ जाएगा आपके सिस्टम का तो आपने अपने सिस्टम से जो है वो उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है जो आप डेट करना चाहते हैं आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर फॉर uh, द टाइम यहाँ पे एड कर रही हूँ ओके okay, यहाँ पर मैंने ये अपनी पिक्चर ऐड कर दी है ये इस पर अपडेट हो गई है ठीक है अब उसके बाद यहाँ पे एक टैग लाइन आ रही है तो यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं आपको अपनी स्किल जो आपकी जिसमें से मैंने पहले भी बात की है कि अगर आपको लगता है कि कोई स्किल है आपकी जो कि बहुत बेस्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे से जो है परफॉर्म कर सकते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं आप कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें यहाँ पर मैं इसको अपडेट कर दिया मैंने और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरी पिक्चर आ रही है यूजर नेम आ रहा है उसके बाद यहाँ पे एस यू एक्सपर्ट आ रहा है आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं आपको टैगलाइन भी ऐड कर सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट्स ही होनी चाहिए दो से तीन वर्ड्स हो सकते हैं वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है सिंपल uh, आपने वो ऐड कर देना है यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जो है Uh, यहाँ पे ये जो चीजें आ रही हैं के हवाले से ये कुछ पेड कोर्सेज जो हैं वो वो करवा रहे है, uh, Fiver, तो आप वो भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं देख सकते हैं लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी नहीं है कि आपने इनको uh, लेना है आप इन कोर्सेज का हिस्सा बने उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का आ रहा है आपने ऐड डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ, आपने यहाँ पे अपने बारे में लिखना है अब अपने बारे में लिखने का जो तरीका कार है वो मैं थोड़ा सा आपके साथ पहले आपको ओरली बता देती मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी अः यहाँ पर समझा दूंगी सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आप अपने बारे में जहा यहाँ पे लिखना है तो आपने हेलो या हे लिख के आपने जो है स्टार्ट करनी है अपनी लाइन आपने बिल्कुल भी ऐसे कर देनी हेलो या हाय लिख के आपने इसको स्टार्ट करना है यहां पर जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है पैराग्राफ लिखना है उसके बाद लिखना है आई आई एम एम अपना नेम उसके लिखना है या माई नेम इस लिख दें या आप ज्यादा बेस्ट है कि आई एम न जिस तरह से मैं लिखूंगी तो आप इस तरह से आप लिखें अपना नाम ऐड करें उसके बाद आपने अपना आ, स्किल बता दें आप अपनी एजुकेशन बता दें आप स्किल भी बता सकते हैं अपनी एजुकेशन भी बता सकते हैं आप अपना एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं इसमें कि आ, आपके पास आपका कितना एक्सपीरियंस है और यहाँ पे आपने जो चीजें ऐड करनी है एक तो आपने क्या करना है आई एम नौरिन जिस तरह से मैं अपना नेम ऐड करूंगी आपने अपना नाम ऐड करना है जो आपकी फर्स्ट लाइन होगी उसके बाद आपने अपना एजु, अपनी एजुकेशन ऐड कर दें आपका कि आप कितना है, कितने सालों है, तो यहां पे दो से तीन साल के आपने जरूर करना है ऐसे आपने नहीं कर देना या ऐसे नहीं लिख देना कि मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है आप बिल्कुल न्यू हो आपने न्यू प्रोफाइल क्रिएट की है और आपको बिल्कुल भी चीजों के हवाले से जो है कुछ पता ही नहीं है ऐसा नहीं होगा आपने इसमें जो चीजें हैं वो उसमें चीजों को जो है थोड़ा सा लेके चलना है इसमें जो चीजें हैं जो आपने इसमें शेयर करनी है आ, वो फिर आपका एक्सपीरियंस होगा एक्सपीरियंस जो है वो आपने इसमें दो से तीन साल का जरूर ऐड करना है ताकि जब भी कोई भी बायर जो है आ, आपके पास आए तो आपके एटलीस्ट uh, आपके प्रोफाइल पे कुछ एक्सपीरियंस हो ताकि वो आपको ऑर्डर दे सके अगर आप इसमें कोई एक्सपीरियंस ऐड नहीं करेंगे तो वो न्यू uh, जो ज्वाइनिंग होती हैं न्यू जो मेंबर्स होते हैं उनको उस तरह से प्रेफर नहीं कर रहे होते हैं uh, तो इसलिए आप ज़रूरी है कि आप यहाँ पर फेक uh, में अगर कहा जाए फेक इंफॉर्मेशन कहा हम इसको कह, कह सकते हैं कि वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो आपने इसमें जरूर ऐड करनी है उसके अलावा आप इसमें आप अपने प्रोफेशनल आ, के हवाले से बता सकते हैं कि आप किस तरह से काम करते हैं आप काम करना चाहते हैं तो अगर आपसे कोई काम करना चाहता है तो वो आपको इनबॉक्स करे आपके साथ कांटेक्ट करे और वो चीज़ एक लाइन ऐड कर देनी है इसमें ओके okay, तो यहाँ पर जो है आ, आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करके इसको अपडेट कर देना है ठीक है तो अब इसमें हम डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे उसके साथ साथ मैं आपके थोड़े से कमेंट इसमें ऐड कर लूंगी ताकि जो चीजें हैं उसके हवाले से भी चीजों को मैं आई थिंक तो अब आप लोगों को वॉइस आ रही होगी मैंने बीच में एक से दो मिनट का जो है वो ब्रेक लिया था आप लोगों के जो चीजें हैं आप लोगों के जो जहां पर आ, ओके आप लोगों के जो बातें आ, आप लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं उस हवाले से जो है बिल्कुल जी ये जो वीडियो है इसमें जो पहले आपके पास आ रहा है उसमें अटेंडेंस लिंक होता है उस, वो आपने क्लिक करके अटेंडेंस सबमिट करवानी होती है आ, अकाउंट क्रिएट करने की अभी तक आपको समझ नहीं आ रही है मैंने अगेन जो है वो आपके साथ शेयर किया है दोबारा से मैं इसको रिवाइज कर दूंगी नो इशू मैम हम एक आई के साथ बिल्कुल जी आप एक आईडी के साथ डिफरेंट चीजों को जो है डिफरेंट सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें ऐसे इस कोई एड इशू नहीं है बिजनेस कार्ड और वर्कशीट के बारे में भी मैं आपको बता दूंगी आ, आ, क्या स्लो चल रहा है फाइवर के हवाले से आप बात कर रहे हो अटेंडेंस कहाँ मार्क करनी है जी इनको गाइड कर दें आ, बिल्कुल आपके साथ लिंक शेयर कर दिया गया है ओके okay, समटाइम जो है बीच में मेरी अब मैं एक से एक मिनट का ब्रेक ले रही होती हूँ अगर मुझे कोई ऐसे बीच में मैसेज uh, वगैरह आ जाता है मैनेजमेंट uh, की तरफ से बाकी जो है मैं उसके साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं बोलती रहूं क्योंकि आप लोग जब लाइव क्लास ले रहे होते हैं तो इसमें हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हमने एक मिनट का भी ब्रेक नहीं लेना होता तो आप लोग थोड़ा सा जो है उसमें पेशेंस दिखाया करें ओके okay, जी ओके okay, मैं आपको अगेन जो है इसमें गाइड कर दूंगी कि आपने किस तरह से जो है इसको क्रिएट uh, करनी है ठीक है आप इस चीज पे परेशान ना हो बाकी सबको आई थिंक तो अब आवाज आ रही होगी अभी भी आप लोगों का आ रहा है कि नो साउंड मैम और इस पे है जी आ रही है आवाज तो प्लीज आप लोग उस चीज को कंफर्म करेंगे तो आपको वॉइस आ रही है बाकी जो चीजें हैं यहाँ पर प्रोफाइल uh, के हवाले से सबसे पहले आपने यहाँ प्रोफाइल जिन बच्चों को समझ में आ गए अगर एक दो बच्चों को समझ में नहीं आया प्रोफाइल किस तरह से इसको ज्वाइन करना है तो मैं अगेन जो है वो आपके साथ इसको रिपीट कर दूंगी आ, लेकिन फॉर द टाइम जो है जिन बच्चों को समझ में आ गया है जो चीजें जिन्होंने पिक कर ली है और जिनको नहीं समझ आई वो इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं क्लास के बाद दोबारा से आप रिपीट करके देख लीजिएगा होपफुली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी इस पे ठीक है

तो आप उनको अपनी यानी आप अगर वो आपसे काम करवाना चाहते हैं तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं तो इस तरह की चीजें जो है एक लाइन आपने इसमें मेंशन कर देनी है ताकि जो बायर है उनको एक वो उससे रिस्पांस यानी कि वो आपको कर सके आगे फर्दर काम के हवाले से कांटेक्ट कर सकें आपसे अब यहाँ पर जो है मैंने जिस तरह से आपको बताया था हेलो या हे लिख के आपने स्टार्ट करना है उसके बाद जो है वो आपने कुछ इस तरह से जो है अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देनी है इसमें और उसको जो है वो आप कर लें अगर आपका बिल्कुल आप स्टार्ट हैं आपका कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने दो या तीन साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड कर देना है अब यहाँ पर अगर आप देखें अब यहाँ पर आप देखें मैंने यहाँ पर लिखा है कि आई एम वर्किंग एज अ असू एक्सपर्ट क्योंकि मैंने यहाँ पर टैग लाइन में एड किया है एस एक्सपर्ट ठीक है उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है आई हैव टू टू एक्सपीरियंस अब two जो है वो आपने स्पेलिंग uh, में नहीं लिखना आपने उसको नंबर में लिखना है नंबर में ही मैंशन करना है अगर आप नंबर में मैंशन करेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट है ठीक है उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस और अपनी स्किल बता दी है कि किस चीज में आपका एक्सपीरियंस है उसके बाद आप उनको इन्वाइट करें कि वो आपके साथ काम करें एंड देन आप उनको बेस्ट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं अब यहाँ पर जो है इसी तरह से आपने लिखना है और कोशिश करें एक और जो हमारे हम मोस्टली बच्चे मिस्टेक कर रहे होते हैं डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वर्ड जो है वो आपका कैपिटल होगा और जहाँ पे भी आप आई यूज करेंगे ठीक है आई जो होगा वो हमेशा कैपिटल होता है तो आपने आई स्मॉल नहीं लिखना बाकी जिस तरह से यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड लिखा हुआ है तो उसको मैंने कैपिटल में कर दिया हुआ है एस एक्सपर्ट है तो ये भी कैपिटल में ही आएगा क्योंकि आपकी स्किल है आपने जो चीज ज्यादा हाईलाइट करनी होती है उसको आप थोड़ा कैपिटल में ऐड कर देंगे लेकिन सिर्फ फर्स्ट वर्ड यानी कि आपने कंप्लीट वर्ड जो है वो कैपिटल में लिखना है लेकिन एस क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म है तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये एस जो है ये कैपिटल में लिखा हुआ है उसके बाद आपने इसको सिंपल अपडेट कर देना है तो आपकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो अपडेट हो जाएगी सिंपल उसके बाद यहाँ पर आपने ऐड करना है लैंग्वेज। अब यहाँ पे इंग्लिश तो ऑलरेडी है तो यहाँ पे आप उर्दू ऐड कर लें ठीक है उर्दू में आपने अपना लेवल जो है ये ऐड कर लें उसके बाद यहाँ पे इसको अपडेट कर दें अगेन आप कोई और जुबान जो है उसको समझते हैं तो वो भी ऐड कर दें जैसे कि हिंदी है सिमिलर है आप बोल सकते हैं तो आप वो ऐड कर दें ठीक है अब इंग्लिश है तो इंग्लिश यहाँ बेसिक आ रही है आप इसको भी जो है अपडेट कर दें ठीक हो गया तो इस तरह से करना है उसके बाद यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट्स का जो आ रहा है लिंक्ड अकाउंट्स का जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं चीजें आ रही हैं इसमें आपने अपने जी मेल गूगल अकाउंट को आ, उसके अलावा फेसबुक अकाउंट को जो है यहाँ पर लिंक करना है आपने अपने ट्विटर अकाउंट को लिंक कर सकते हैं जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल्स हैं उनको आपने यहाँ पे लिंक करना है सिंपल आप यहाँ पे क्या करना है कि इसके ऊपर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और टैब जो है वो ओपन हो जाएगी ठीक है वो टैब जब आपके पास ओपन होगी तो उसके साथ कंटिन्यू नॉरिन जिस तरह से आपकी प्रोफाइल होगी उस तरह से वो आपके पास आ रहा होगा वो आपने इस पे क्लिक करके इसको कर लेना है लेकिन मैं यहाँ पे अपना फेसबुक अकाउंट uh, नहीं करूँ क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोफाइल के साथ लिंक है और यहाँ पे आपने अपना गूगल अकाउंट कर सकते हैं जो कि आपका जिस जी मेल के साथ आपने इसको लॉग इन किया हुआ उसी जी मेल अकाउंट को आपने इसके साथ लिंक कर देना है अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये गूगल अकाउंट जो है वो लिंक हो गया है इसलिए पहले तो यहाँ पे इस तरह से ब्लू में शो हो रहा था लेकिन अब ये जो है इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो दोबारा से वो आएगा लेकिन इस तरह से वो क्लिक वो, ब्लू में शो नहीं हो रहा है इस मीन ये लिंक हो गया है जब जैसे ही आपका ये वाला भी हो जाएगा तो ये भी इस तरह से जो है इसका ये ग्रे कलर में यहाँ पे शो हो जाएगा और ये प्लस का जो है इसमें ये रिमूव हो जाएगा यहाँ पे फेसबुक का लोगो आ जाएगा ठीक हो गया तो इस तरह से आपने इनको ऐड करना है उसके बाद आपकी स्किल्स आ जाती हैं स्किल्स के पोर्शन में जो है वो आपने सबसे पहले कंटेंट राइटिंग ऐड कर दो वैसे तो आपके पास ऑप्शन है कि आपने क्या चीज ऐड करनी, करनी है किस तरह से ऐड करनी है बट मैं एक चीज जो है कि आप उसमें कंटेंट राइटिंग ऐड करो ओके okay? अब यहाँ पे मैंने कंटेंट लिखा है तो कंटेंट मार्केटिंग आ गया कंटेंट राइटिंग आ गया कंटेंट राइटर आ गया तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर आ रही हैं आप इसमें से जो आपको ज्यादा बेस्ट ऑप्शन लग रहा है उसको आप करके ऐड कर दोगे अब यहाँ पे आपके पास लेवल जो है वो बिगनर का भी है इंटरमीडिएट का भी है एक्सपर्ट का भी है आपने एक्सपर्ट ऐड कर दो तो. अब यहाँ पर कुछ उससे रेलिवेंट जो चीजें हैं रेलिवेंट स्किल्स जो है वो यहाँ पर आ रही है जिसमें राइटिंग है जिस तरह से आर्टिकल राइटिंग है आप ये ऐड करके उसके अलावा ये भी आर्टिकल राइटिंग है टाइपिंग है ठीक हो गया तो इस तरह की चीजें ये स्किल्स हैं आपकी ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो आपने ऐड करनी है डाटा एंट्री की है ये आप ऐड कर दें उसके अलावा माइक्रोसॉफ्टवेयर एक्सेल है Excel में अगर आपकी स्किल है वो ऐड कर दें तो बेसिक सी स्किल्स हैं चीजें हैं जो कि आप यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ इस तरह से भी आपके पास आ रही होती हैं कुछ आपने अगर मजीद ऐड करनी है तो ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे जिस तरह से एस है तो मैं एस एक्सपर्ट ठीक है उसके बाद मैं यहाँ पे ये मैंने ऐड कर दिया अब इसमें मजीद कोई ऐड करना चाहते हैं आप एस से रिलेटेड ही तो एस सीओ ऑन पेज ऑफ पेज एस सी ओ आ गया इसमें आप यह ऐड कर दें ठीक हो गया तो ये इस तरह से स्किल्स आ गई हैं अगर आप इसमें से कोई भी स्किल रिमूव करना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे राइटिंग आर्टिकल राइटिंग दो दफा है तो मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ तो ये इसके ऊपर एक डस्टबिन सी बनी हुई है इसपे मैं क्लिक करूंगी तो वो रिमूव हो गई है स्किल तो इस तरह से आप रिमूव भी कर सकते हैं ऐड भी कर सकते हैं ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उसके बाद यहाँ पे आपका एजुकेशन का आ जाता है तो एजुकेशन में जो है वो आपने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी नेम ऐड करना है उसके अलावा आपका जो टाइटल है वो ऐड करना है मेजर सब्जेक्ट जो होता है आपका वो आपने ऐड करना है और आपका जो एयर है जिसमें आप ग्रेजुएट हुए हैं वो आपने यहाँ पर मैंशन कर देना है यहाँ पे हम पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान में आपने एजुकेशन कंप्लीट की है यहाँ पे आपने अपनी जो है यूनिवर्सिटी का नेम वो ऐड करना है जो है इसमें आपको नहीं मिल रहा होगा आपका तो आप रेंडमली भी कोई भी ऐड कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपने जो है वही चीज ऐड करनी है ठीक है अब यहाँ पर मैंने आ, ये सर्च किया है पंजाब यूनिवर्सिटी मैंने वो ऐड कर दिया है अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पे मिल जाती जिससे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो ऐड कर दें नहीं मिलती आप पंजाब यूनिवर्सिटी ऐड कर दें उसमें ऐसे कोई इशू नहीं है अब यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट है आ, आपने किया हुआ लास्ट डिग्री वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मेजर सब्जेक्ट में जो है वो आप इसमें चीज़ें ऐड करते जाए ठीक है मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐड कर दिया है उसके बाद यहाँ पे आपका एयर है तो आप अपना एयर सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे वो ऐड कर दें ठीक हो गया अब इस तरह से ये आपकी यहाँ पे एजुकेशन आ जाएगी बहुत ज्यादा डिटेल ऐड करने की जरूरत नहीं है आप अपनी जो लास्ट डिग्री है वो ऐड कर दें इसमें दैट्स फाइन ठीक हो गया अब यहाँ पे जो है वो आपका सर्टिफिकेट का आ रहा है तो वो चीजें जो है अब फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल मार्केटिंग में किया हुआ है तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है जो सर्टिफिकेट का नेम होगा वो आपने ऐड कर दिया उसके बाद यहाँ पे आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन से किया हुआ है वो ऐड कर देंगे आप बहुत सारे जो बच्चे हैं अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से किया हुआ है तो आप वो मेंशन कर दें उसमें ऐसे कोई इश्यू नहीं है ओके okay, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने अपनी प्रोफाइल में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो ऑलमोस्ट सारी की सारी जो है इसमें ऐड कर ली है इसी तरह से आपने इसको आपने अपनी प्रोफाइल जो क्रिएट करनी है उसको भी इसी तरह से आपने लेके चलना है आप में से वो बच्चे जिनको चीजें समझ में नहीं आई हैं कुछ चीजें आपको जो है वो नहीं समझ में आ रही होंगी तो वो जो है वो आपने इसी तरह से इस वीडियो में से फॉलो कर लेनी है और उसको जो है वो आप आगे फर्दर लेके चल सकते हैं एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ आप लोगों के कमेंट्स मैं बाद में ऐड पढ़ूंगी और बाद में ऐड करूंगी कि बहुत सारे बच्चे जो क्लास ले रहे होते हैं वो इंटरप्ट हो रहे होते हैं और दे वॉन्ट बार बार जो है वो कमेंट ऐड ना करूँ वो एंड एंड ऑफ द क्लास जो है उसको मैं ऐड करूँ तो आफ्टर टेन से फिफ्टीन मिनट्स के बाद मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी उसके बाद आप लोगों में से कोई बच्चा जो uh, क्लास में लाइव स्ट्रीमिंग में ऐड होना चाहेगा मैं उसको भी ऐड करूंगी ठीक है अभी फॉर द टाइम यहाँ पे अगर आप देखें Uh, एक दफा तो आप इसको प्रीव्यू भी कर लें आपके पास प्रीव्यू पब्लिक मोड जो है ये आ रहा होता है यहाँ पे ऑप्शन तो उसको उसके ऊपर आपने क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जो है पब्लिक जो आप एज अ बायर जो कोई भी आपकी प्रोफाइल को व्यू करता है uh, तो उस पर जो है वो आपकी प्रोफाइल इस तरह से डिस्प्ले होगी ठीक है तो इस चीज को आपने कर लेना एक दफा आप देख लें चेंजिंग करने के बाद चीजें अप्लाई करने के बाद तो उसमें आप किस तरह से पिक्चर डिस्प्ले होगी आपका नेम यूजर नेम आएगा उसके बाद आपने जो उसमें टैगलाइन ऐड की होगी वो डिस्प्ले हो रही होगी उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन है आपकी लैंग्वेजेस हैं जो आपने इसमें ऐड की हुई हैं उसके अलावा जो अकाउंट आपका लिंक है वो इस तरह से डिस्प्ले होगा ठीक है तो इस चीज को आपको जो लिंक करने का बार बार कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल पे आपके अकाउंट जो लिंक हुए हैं वो इस तरह से डिस्प्ले हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पे आपकी स्किल्स आ रही हैं जो स्किल्स आपने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं उसके बाद ये आपकी एजुकेशन है आपका सर्टिफिकेट है आपने जो इसमें मेंशन की होगी इंफॉर्मेशन वो इस तरह से जो है वो डिस्प्ले होगी आपके को लोगों को आपकी प्रोफाइल जो है वो इस तरह से शो होगी अब यहाँ से अगेन मैं इसको बैक कर रही हूँ और ये मैं अपनी प्रोफाइल पे आ गई अब आप में से बहुत सारे बच्चों के जो कमेंट आ रहे हैं कुछ मेरी नजर जिससे नजर से गुजरे हैं Uh, उसमें ज्यादातर बच्चे पूछेंगे जी अगर हमने इसको एडिट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं एडिट किस तरह से किया जा सकता है तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है फॉर एग्जांपल आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को एडिट करना है तो आप एडिट डिस्क्रिप्शन का जो है यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है आपने इसपे क्लिक करना है एक मिनट Okay. यहाँ पर जो है कि कि इस इस टाइम टाइम पे पे मेरे पास सम ऐसे हो जाता है कि वो आपको जब आप इस पे पे आते हैं अपनी प्रोफाइल पे आते हैं तो वो आपको उस तरह से जो है वो कंटेंट शो नहीं करवा रहा होता लेकिन आप इसके ऊपर जो है इसको कॉपी करके अगर आप इस पर जाएंगे पब्लिक मोड पे तो वो आपका कॉन्टेंट जो है वो शो करवा रहा होता है उस पर आपने सिंपल उसको कॉपी करके मैंने जिस तरह से यहाँ पे ऐड कर दिया आपने कोई भी लाइन जो है वो एडिट करनी है इसमें से एडिट आपने उसमें कोई और वर्ड ऐड करना चाहते हैं चीजें अपडेट करना चाहते हैं तो वो आप जो है इजीली कर सकते हैं उसमें ऐसे कोई इश्यू नहीं है तो आपने सिंपल उसको ऐड करने के बाद अपडेट कर देंगे तो वो हो जाएगी अगेन आप इसको यहाँ से एडिट करते हैं तो आप इसी इजीली इसको एडिट कर सकते हैं आप जितने टाइम चाहें आप एडिट कर सकते हैं इवन आपने कोई भी लैंग्वेज है जो ऐड uh, कर ली आप उसको डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं आप मजीद इसमें ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं इवन अगर आप इसी को जो है वो एडिट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं उसमें ऐसे कोई इश्यू नहीं है उसके अलावा यहाँ पे भी जितनी भी चीजें हैं हर चीज जो है वो एडिट की जा सकती है हर चीज जो है वो डिलीट की जा सकती है आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर अगर आप देखें ये एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है एक डिलीट का ऑप्शन आ रहा है ठीक है तो आप इन दोनों ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट या एडिट कर सकते हैं मजीद एड करने के लिए एड न्यू का ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप मजीद इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो एड कर सकते हैं ये एक बेसिक हमारी प्रोफाइल है एज अ फ्री आ, जब आपने इसको ज्वाइन करना होता है एज अ में अभी हमने एज अ में इसको ज्वाइन किया है फाइवर को अब यहाँ पर जो है हम अपनी प्रोफाइल को फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं है तो उसके लिए भी हमने आगे फर्दर कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना है और इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है मैं आपको उस हवाले से भी इसमें मजीद चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी आपको बताऊंगी अभी जो हमारी प्रोफाइल है वो एज अ मेंबर है एज अ बायर अगर हम अगर हम उस चीज को आगे लेके चलना चाहें तो भी लेके चल सकते हैं अगर एज अ फ्रीलांसर लेके चलना चाहते हैं तो भी हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं उसमें एसएच को इश्यू नहीं है अभी क्योंकि आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ ये चीज बतानी थी जो कि हमारी मेन एक तरह से कहा जाए क्योंकि हम बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग को और फ्रीलांसिंग में हमारी फ्रीलांसिंग जो प्रोफाइल्स होती हैं उनको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए भी आपके लिए भी तो इस चीज को हमने आगे लेके चलना है और आप जो चीजें हैं अगर समझ में कुछ चीज़ नहीं आ रही है तो आप लोग बार बार पूछ सकते हैं मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसमें बताऊं और बाकी जो स्टार्टिंग में है यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको करवाई हैं या बताई हैं उसको अगर आपको समझ में नहीं आई है तो दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में चीजें जो है वो आपको बताई हैं आप प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले उसको जरूर देखिएगा उसके बाद अपनी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट कीजिएगा ओके okay, अब यहाँ तक जो आपके चीजें आपके साथ शेयर की हैं आप उनको फॉलो कर लें आप सब बच्चे जो हैं कोशिश कीजिएगा कल तक जो है वो अपनी प्रोफाइल्स कंप्लीट कर लें अपनी प्रोफाइल्स को जो है वो क्रिएट कर लें फाइवर पे साइन इन कर इसको ज्वाइन कर लें इस प्लेटफॉर्म को उसके बाद इसपे हम क्रिएट करेंगे और इन फिर हम अपनी मजीद इसमें जो चीजें हैं उसको भी आगे लेके चलेंगे अब यहाँ पर जो है कुछ जॉब्स के हवाले से चीजें थी जॉब्स के हवाले से मैंने काफी सारी चीजें आपके साथ डिस्कस भी की थी बताई भी थी आप लोगों को बाकी मजीद इसमें चीजें जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी और इंशाल्लाह हम हम साथ अपना जो हमारा स्किल बेस्ड कोर्स है स्किल ट्रेनिंग है वो भी स्टार्ट करेंगे जिस तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग है तो हम उसको भी कंटिन्यू इंशाल्लाह जो है वो करेंगे लेकिन हमारा मेन फोकस ये है कि हम सबसे पहले अपनी जो फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स हैं इनको कंप्लीट करें बिकॉज कि हमें विद इन मंथ जो है ये सबमिट करवानी है और इन इसी वीक में मैं आपके साथ एक शीट का लिंक भी शेयर कर दूंगी जहाँ पे आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स के लिंक मेरे साथ शेयर करने हैं ताकि आप जो चीजें बना रहे हैं मैं उसको साथ साथ चेक करती रहूँ आपकी प्रोफाइल्स को और ताकि जो उसमें कोई कमियाँ हैं कुछ खामियां हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी कि आप अपनी प्रोफाइल को इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं बेहतर कर सकते हैं ओके okay, uh, आपका जो है चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं आपको इस बारे में समझ में आ गया होगा चीजें ठीक uh, है मैंने आपको अगेन यहाँ पे बता दी कि आप लोग एडिट कर सकते हैं उसको आई हैव ऑलरेडी फाइवर अकाउंट फॉर अदर डोमेन्स व्हाट शुड आई डू अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसी को कंटिन्यू करो उसमें कोई इशू नहीं है आप मजीद उसमें चीजें ऐड कर सकते हैं आ, बाकी जो चीज़ें हैं आप के कमेंट ओके okay, आपने लिखा है कि मैम अभी कोई स्किल नहीं है हमारे पास अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है डेटा एंट्री की स्किल तो होगी आपके पास आपके पास टाइपिंग स्किल तो होगी आपके पास राइटिंग स्किल तो होगी थोड़ी बहुत जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं वो चीजें ऐड करते हैं अभी और अभी हम ऐसे चीज़ों को नहीं लेके जा रहे आगे फर्दर जो चीज़ें मैं आपको गिक क्रिएट करने के हवाले से बताऊंगी, या मजीद और जो चीज़ें होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इन शह एंड देन हम उनको भी आगे डिस्कस करते रहेंगे अभी जिस तरह से चीज़ें मैंने आपको बताई आप उनको सिर्फ ऐड कर दो प्रोफाइल क्रिएट करो आप बिल्कुल अगर आपके पास अभी फॉर द टाइम कोई स्किल नहीं है लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि डाटा एंट्री की है राइटिंग की है रीडिंग की हो सकती है प्रूफ रीडिंग की आपके पास स्किल हो सकती है आपके पास एक्सेल की स्किल हो सकती है आपके पास वर्ड की स्किल हो सकती है पावर पॉइंट की हो सकती है आप लोग माशाल्लाह से सब ग्रेजुएट हैं और आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी में जो है एजुकेशन करियर में कहीं ना कहीं जो है इसपे काम किया होगा का, इन सॉफ्टवेयर्स पे तो आप ये चीजें जो है इसमें मेंशन कर सकते हैं बिल्कुल जी जैसे अली आप कह रहे हो मैंने भी यही चीजें रिपीट की हैं और थैंक यू आपने यहाँ पे शेयर कर दिया Uh, मैंने आपको जिस तरह से ये बताया ना कि जो इन्फॉर्मेशन होती है आपकी uh, अगर आप कह रहे हो ना कि वो लीगल है या नहीं है uh, उसका ऐसे इशू नहीं है आप कुछ भी लिख दो आपसे कभी भी फाइवर ये नहीं कहेगा कि आपने अगर अब्रॉड uh, से की है किसी बाहर के मुल्क की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो अपनी डिग्री शो करवा दो या आपने पाकिस्तान से किया हुआ है और आप अगर पाकिस्तान में अपनी आपकी लोकेशन जो है वो पाकिस्तान आ रही है इस मीन कि आपकी डिग्री भी पाकिस्तान से होनी चाहिए तो ऐसे कोई भी नहीं है इसमें कोई इशू भी नहीं है और ना ही वो ऐसा कह जो इस चीज़ को है ऐसा कुछ भी नहीं है उसके बाद आपका है सर्टिफिकेट ना हो तो आप रहने दो उसके अलावा मैं आपको बताया आप ई रोजगार का एड कर दो जो आप ई रोजगार की ट्रेनिंग ले रही हो आप यही इसमें ऐड कर दो बाद में चेंज कर सकते हैं जी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं उसमें कोई इशू नहीं है और अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो मैंने आपको ये कर दिया है जी अगर नहीं है तो आप रोजगार का ऐड कर दो उसमें कोई मसला नहीं है आ, हमारे पास कोई खास स्किल नहीं है तो फिर अब भी कर कर खास स्किल नहीं है अगर जो आ, खास नहीं है वो भी ऐड कर सकते हैं उसमें इशू नहीं है जिस तरह से एम एस वर्ड है ये एक बेसिक सी चीज़ है अगर फॉर एग्जांपल आप ये स्किल ऐड करती हैं आपकी प्रोफाइल थोड़ी एक अच्छी प्रोफाइल आपकी बन जाएगी आप राइटिंग की ऐड कर दो रीडिंग की ऐड कर दो आप उसमें जो है टाइपिंग की ऐड कर दो आप एम एस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की ऐड कर दो ये मुश्किल चीजें नहीं है ये बहुत आसान है ओके okay, जी बाद में चेंज कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं कोई इशू नहीं है इसमें बिल्कुल और मैंने ये आपको बता भी दिया है मोबाइल स्टोर पे जो ईमेल अकाउंट होता है वो फाइवर में यूज हो सकता है बिल्कुल बेटा हो सकता है नो इशू इसमें कोई ऐसे इस इशू नहीं है मैम आई एम क्रिएटिंग माई अकाउंट ऑन फाइवर बट इसे दे रहा था ओके okay, आप मेरे साथ अप, मुझे इनबॉक्स में अपने अकाउंट की डिटेल भेजो आपका जो आ, अकाउंट है उसका आ, जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड है वो मेरे साथ शेयर करो मैं उसको चेक करती हूँ यूजर नेम एडिट नहीं होता मैं ये बात पहले भी बताई बताई हुई है मैंने कि इसलिए यूजर नेम आपने सोच समझ के रखना है आपने बड़े ध्यान से रखना है क्योंकि यूजर नेम जो है वो आप एडिट नहीं कर सकते हो बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी एडिट हो जाती है लेकिन यूजर नेम एडिट नहीं होता तो इसलिए आपने यूजर नेम जो है वो बड़े ध्यान से रखना है अच्छा जी मैम अभी तो हमारे पास कोई स्किल नहीं है तो हम स्किल में क्या ऐड करें जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आप ऐड कर दें बिल्कुल जी आप लोग आज ही स्टार्ट कर दो आज ही कोशिश करो कि आप लोग अपनी जो फाइवर के अकाउंट है वो क्रिएट कर लें वो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है अगर आप लोग आज शुरू करते हैं आप ट्राई करते हैं बनाने की उसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं आप उसमें आपको गाइड भी कर दूंगी और उसके साथ साथ मेरे इस ग्रुप में जो है दो टीए भी हैं जो टीचर ट्रेनर असिस्टेंट हैं हमारे और वो भी आपकी हेल्प कर देंगे और इन मैं आज या कल में जो है उन्हें लाइव स्ट्रीमिंग पे भी ले लूंगी ताकि वो आप लोगों के साथ आप लोगों के साथ उनका इंट्रोडक्शन भी हो जाए और आप लोग उनसे भी हेल्प ले सकते हैं ठीक है आ, बिलाल अहमद मैं आपको इन इसके हवाले से भी आ, ये चीज जो है बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको पास कर सकते हैं पहले तो और इसकी अटेम्प कितनी होती हैं और किस तरह से आपने इसको करना है लेकिन अभी अगर मैं आपको बहुत डिटेल में चीजें बताऊंगी तो बहुत सारे बच्चे जिनको आ, अभी अकाउंट तो क्रिएट करने के हवाले से चीजें समझ में नहीं आ रही हैं वो इस चीज पे इस चीज को लेके जो है वो नर्वस हो जाएंगे तो मैं इस चीज को अभी पूरी तरह से इसका आंसर नहीं करिए जब मैं ये क्रिएट करवाऊंगी देन मैं आपको आ, इसके आ, इस टेस्ट के हवाले से भी बता दूंगी ठीक है ओके जी हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो वेबसाइट विच प्रोवाइड द फ्री पोर्टफोलियो सर्विसेज फायर रिक्वायर्ड पोर्टफोलियो स्मार्ट सबसे पहले बेटा आप तो प्रोफाइल जब हमारी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी उसमें गिग क्रिएट करेंगे देन मैं आपको पोर्टफोलियो के हवाले से बताऊंगी और बाकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री में आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं कि आप वहाँ जाके अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं और फाइवर पे कुछ क्लाइंट्स को अगर आपकी सर्विसेज डिजाइन से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली आपसे क्लाइंट कहेगा कि मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाओ मैं तुम्हारा प्रीवियस काम देखना चाहूंगा और अगर आपकी सर्विसेज सर्विसेस जो हैं कंटेंट uh, राइटिंग से रिलेटेड है उसमें भी समटाइम वो आपसे रिक्वायर्ड कर लेता है सैम्पल वर्क या सैंपल वर्क या आपका प्रीवियस वर्क तो उसमें आपने देना होता है uh, जी आपने अपना अकाउंट पहले बना ले उसके बाद में आपके साथ जो है एक शीट शेयर करूंगी एक्सेल की जिसमें आपने अपना लिंक पेस्ट करना है और वो लिंक मेरे पास आ जाएगा और मैं उसमें आपकी प्रोफाइल्स को वन बाय वन सबकी प्रोफाइल्स को चेक करूंगी I have complete my file just now within your See, Ogeji, very good. जी. बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं उसमें कोई इश्यू नहीं है आप अभी भी ऐड कर सकते हैं और आप बाद में भी वन बाय वन ऐड कर सकते हैं ओके मैम अभी तक मुझे अकाउंट क्रिएट करना नहीं आ रहा Uh, आप अगेन जो है इस वीडियो को देख लेना ठीक है और अगर फिर भी समझ में ना आए तो मैं अपने टीए को कह दूंगी कि वो आपसे कांटेक्ट कर ले और वो आपको जो है uh, गाइड कर देंगी आपकी हेल्प भी कर देंगी और आपको बता भी देंगी ठीक है मैम डेटा एंट्री के भी स्किल ना हो तो डेटा एंट्री की स्किल भी ना हो आपको कॉपी पेस्ट करना भी नहीं आता आप एड करो डाटा एंट्री के हवाले से मजीद चीजें मैं आपको बता दूंगी बेटा अच्छा जी मैम शुड आई शुड आई ओनली क्रिएट एसयू गिग नाउ बिकॉज़ आई हैव एडड अदर डोमेन्स देयर ओके मैं आपकी प्रोफाइल देखूंगी एंड देन मैं आपको उसमें uh, जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ठीक है जी मैंने आपके साथ कोर्स कंटेंट जो है वो शेयर किया हुआ है पहले भी और अभी भी मैं आपको مزید बता देती हूं कि हमारे इस कोर्स में जो है फ्रीलांसिंग तो है ही है फ्रीलांसिंग में जो है हम फाइवर अपवर्क और फ्री डॉट कॉम पे जो है वो काम करेंगे प्रोफाइल्स क्रिएट करेंगे और उस पर कैसे काम करते हैं एज अ फ्रीलांसर वो मैं आपको बताऊंगी अः उसके अलावा जो है हमारा जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है उसमें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी हम पांच प्लेटफॉर्म्स को जो है वो कवर कर रहे होते हैं फेसबुक है ट्विटर है इंस्टाग्राम है लिंकिन है और प्रिंटस्ट है इन पे जो है प्रोफाइल क्रिएशन से लेके बिजनेस प्रोफाइल पेजेस है, हैं कंपेन्स हैं ईच एंड एवरी जो है वो हम डिस्कस करेंगे इनशाला इस ट्रेनिंग में उसके बाद हमारे पास कॉन्टेंट मार्केटिंग है ब्लॉगिंग है वर्ड है वर्ड में ब्लॉगिंग वेबसाइट भी है और ई कॉमर्स वेबसाइट भी है इन दोनों को हम इनशाला डिस्कस करेंगे उसके बाद हमारे पास आ जाती है एस सी ओ एस सी ओ में हम ऑन पेज ऑफ पेज एस सी ओ और बैकलिंकिंग क्रिएशन के हवाले से जो है हम वो इसमें डिस्कस करेंगे इस कोर्स में उसके बाद हमारे पास यूट्यूब मार्केटिंग आ जाती है ईमेल मार्केटिंग आ जाती है गूगल एड्स आ जाते हैं वो कैसे करवा सकते हैं गूगल है, आपकी वेबसाइट है तो आप गूगल एड्स कैसे उस पर अप्रूव करवा सकते हैं उसके साथ साथ मार्केटिंग का भी एक से दो क्लासेस में आपको करवा दूंगी तो ये पूरा कोर्स कॉन्टेंट है कि हमने क्या क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिए आप इसको नोट कर लो ओके okay, बेटा अगर आप अपनी पिक्चर नहीं लगा सकती हो मैंने वैसे आपको बताया कि आप हजाब में पिक्चर लगा दो अगर इवन आप नकाब करती हो तो आप नकाब में पिक्चर लगा दो लेकिन अपनी पिक्चर लगाओ ज्यादा बेहतर है ना कि आप कोई फेक पिक्चर को इस तरह की पिक्चर लगाओ ये मैं आपको बता दूंगी जी आपने प्रोफाइल कहाँ पे शेयर करनी है देन आप मेरे साथ शेयर कर देना आ, लिंक प्रॉब्लम की वजह से सही लास्ट लेट मार्क हुई है ओके फाइन इट्स ओके फाइन नो इशू ओके अगर आपने इंग्लिश टेस्ट पहले से पास किया हुआ है दिया हुआ है तो फिर दोबारा से आपको नहीं देना पड़ेगा जी बिल्कुल जी मैं आपको गिग बनाना भी सिखाऊंगी लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आ, कल की क्लास में उससे अगली क्लास में मैं आपको गिग के हवाले से जो है वो बताऊंगी Uh, बेटा आपको अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज आप बाकी सबके साथ जो है इस चीज़ को ना करो और अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको जो है इस इसपे कुछ नेगेटिव कमेंट्स मिल सकते हैं और मैं आपको जो है बार बार इस चीज पे कह रही हूँ कि आपको अगर मसला हो रहा है आपको नहीं चीजें समझ में आ रही है तो आप थोड़ा सा जो है इस चीज पे uh, मेरे साथ कांटेक्ट करो मैं आपको जो है अपने टीए से करवा दूंगी एंड देन वो आपकी हेल्प कर देंगे आपको आप ही काम करोगी लेकिन वो आपको ज्यादा थोड़ा सा टाइम दे के आपको चीजें कवर करवा देंगे आप लैपटॉप पे बनाएं ज्यादा बेस्ट है मोबाइल पे बन सकता है लेकिन मैं ज्यादातर बच्चों को यही कहती हूँ कि आप लोग फाइवर अकाउंट जो है वो अपने लैपटॉप पे ही बनाएं और लैपटॉप पे ही यूज करें उसको ओके okay, मैं इसको भी चेक करूंगी ओके okay, आपको नहीं समझ में आई मैं आपको इनबॉक्स में आप मुझे कर दो मैं आपको अपने टीए से जो है वो कांटेक्ट करवा दूंगी एंड देन मैं आप उससे वो आपको अकाउंट क्रिएट करवा देगा आई हैव डन माय प्रोफाइल अकॉर्डिंग ठीक हो गया जी थैंक यू अगर आप मार्केटिंग के अलावा क्रिएटिव डिजाइन में भी एक्सपर्ट हो तो स्किल्स uh, में दोनों ऐड कर सकते हैं सेम अकाउंट से बिल्कुल जी आप कर सकते हैं उसमें कोई इशू नहीं है बहुत बेस्ट है आप उसको ऐड करो ओके okay, जी मैम गिग बनाने कब सिखाएंगी इनशाला जी हम कल से ही स्टार्ट करेंगे इसमें गिग का भी और उसके बाद मैं आपको और बहुत सारी चीजें हैं आई रियली वांट कि व हमारे पास एक वीक हमारा गुजर गया है सेकंड वीक है और फोर्थ वीक में हमने अपनी फ्रीलांसिंग जो प्रोफाइल्स हैं इनको वाइंड अप करना है उसके बाद इनशाला हमारी बाकी ट्रेनिंग को हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ जो है वो सिखाती रहूंगी थैंक यू बेटा आपका तो इन चीजों को आगे इंशाल्लाह आगे हम फर्दर लेके चलेंगे कल की क्लास में जो है मैं आपको गिग क्रिएट करने के हवाले से भी बताऊंगी और उसके साथ साथ डाटा एंट्री कैसे करते हैं डाटा एंट्री के जो टूल्स होते हैं चीजें होती हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूंगी बाकी मैंने आ, आप लोग इस चीज को देखते जाएं यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स हैं आ, जो कि आप लोग कर सकते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती हैं एक स्टूडेंट का जो मेरे पास एक क्यूरी आई थी वॉइस ओवर के हवाले से कि उस टॉपिक पे मैं आपको चीजें बताऊं तो मैंने कुछ चीजें मैंने मेरे पास पहले से ऑलरेडी इंफॉर्मेशन थी वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ और यहाँ पे भी जो फाइवर पे भी आपके पास वॉइस ओवर का जो हमारे पास है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ओवर के हवाले से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास यहाँ पे सर्विसेज जो हैं वो काफी सारी अवेलेबल हैं मेल वॉइस ओवर है इंग्लिश वॉइस ओवर है उसके अलावा उर्दू वॉइस ओवर का भी है हिंदी का भी है तो आप में से जो बच्चे कंफर्टेबल हैं उर्दू में तो उर्दू में यहाँ पर देखें तो उर्दू वॉइस ओवर के जो है यहाँ पर आ, 686 जो है सर्विसेज अवेलेबल हैं उर्दू वॉइस ओवर की और यहाँ पे अगर आप देखें ये वो, उर्दू वॉइस ओवर के आ, ये गिग्स भी हैं जिसमें कुछ यहाँ पे अगर आप देखें आ, ये टॉप प्रोफेशनल यानी कि प्रो हैं वेरीफाइड हैं ये लेवल टू के हैं इनकी जो है दो प्रोफाइल्स अगर आप देखेंगे लेवल टू भी है प्रो में भी है उसके अलावा यहाँ पर ये भी लेवल टू सेलर है ये लेवल वन है तो आप इनकी प्रोफाइल्स पे जाके भी चीजें देख सकते हैं ये गेट्स बनाई हुई हैं वॉइस ओवर के हवाले से तो आप इनको जो है चेक कर सकते हैं वॉइस ओवर जैसे मैंने पहले भी बताया था आजकल बहुत ज्यादा लोग जो हैं इस चीज को देख रहे हैं इस चीज़ पे जो है वो काम कर रहे हैं और आप लोग भी इस पे जो है चीजों को देख सकते हैं इसपे मजीद आगे कंटिन्यू कर सकते हैं फाइवर पे भी है आपके पास ऑप्शन के आप यहाँ पर भी अपनी जो है वो गिग बना के वॉइस ओवर की जो है वो कर सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ जो है मजीद बाकी आपके पास यहां पर एक और वेबसाइट है जिसपे बहुत ही अच्छी वेबसाइट है वॉइस ओवर के हवाले से जिसमें वो आपको जिसमें आप एज अ वॉइस एक्टर वॉइस ओवर एक्टर जो है वो काम कर सकते हैं अपनी वॉइस जो है वीडियो रिकॉर्ड करके जो है वो सेल कर सकते हैं तो यहाँ पे कुछ केक्स भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो कि बहुत अच्छे हैं अच्छा लेवल है जिनका और यहाँ पे इनके प्रीवियस वर्क भी आप देख सकते हैं आजकल बहुत ज्यादा YouTube पे जिस तरह से अगर आप देखें YouTube पे भी आपको जो है वो वीडियो चलती हैं वीडियोस के लिए सम जो है इन सालों में पाकिस्तान की आबादी में खाते खा इजाफे की वजह से पाकिस्तान दुनिया में आबादी के लिहाज से पांचवा बड़ा मुल्क बन गया है आप यहाँ पर पा... देखें इनके जो प्रीवियस वर्क है उसमें इस तरह से जो है वो आप कंज्यूमर पैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो आज ही हमारी वेबसाइट विजिट करें ज्वाइन नाउ बटन पर क्लिक करें और पैसे कमाना शुरू कीजिए ये इस तरह से जो है काफी सारी इनकी यहाँ पर ये है जो को इस्तेमाल करने की कुछ वीडियोस के बैकग्राउंड से जो चाहिए उसके लिए जो है यहाँ पर ये ऐड हुई हुई है जैसा वन मिनट फिफ्टीन सेकेंड्स की है और इवन जैसे यहाँ पर भी इन्होंने लिखा हुआ है कि ये आपको किस फॉर्मेट में जो है वॉइस की जो है वो आपको देंगे एंड देन उसके अलावा वर्ड्स कितने होंगे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने जो है इसमें अकाउंट होंगे तो वॉइस ओवर की बहुत अच्छी गिग है आजकल जो सर्विसेज है उसमें एक हॉट सेलिंग सर्विसेज है वॉइस ओवर की और उर्दू में भी बहुत काम है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी From है। पाकिस्तान का फेवरेट फुटवेयर ब्रांड इज ओपन नाउ इन तो इस तरह की चीजें जो है वो आप लोग भी करके दे सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग जो काम कर रहे हैं इसमें हर सुबह का स्वागत करो एक मुस्कान से संगीत पर ये मुस्कान मिलेगी तो ये चीजें हैं जो कि आप लोग भी जो है वो सेल कर सकते हैं इस चीज़ को आप लोग भी लेके चल सकते हैं उसके अलावा एक और यहाँ पे वेबसाइट है जो कि मैं कुछ अर्सा पहले आ, मैंने डिस्कवर की और डिस्कवर की एंड देन मैंने उस पर अपना अकाउंट भी बनाया और जो कि बहुत अच्छी है बहुत अच्छी यहाँ पे जिसना फाइवर पे मैं बात करती हूँ समटाइम स्टूडेंट को इशू होता है कि यहाँ पे प्राइजिंग बहुत कम होती है कि आपको बहुत कम पैसे मिल रहे होते हैं लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो वेबसाइट जो वेबसाइट में अभी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ उस वेबसाइट पे आपको ये इश्यू नहीं होगा क्योंकि वहां पे काफी अच्छे जो हैं वो आपको एक ऑर्डर पे एक प्रोजेक्ट के जो अच्छी अर्निंग आपकी हो जाती है और वहाँ पे आपको जो प्राइस होती है वो भी क्लाइंट खुद जो है वो आपको उसमें दे रहा होता है ऑफर कर रहा होता है के नाम से जो है ये एक प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और जहां पे जी वॉइस ओवर मार्केट प्लेस है आप एज अ फ्रीलांसर जो है आप वहां पे जाके कर सकते हैं इवन आप अगर आपकी पंजाबी अच्छी है आप पंजाबी में भी वॉइस ओवर करके इनको दे सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं अच्छे जिनको वॉइस ओवर के लिए एक्टर चाहिए होते हैं वो यहाँ से जो है लोगों को कर रहे होते हैं आप अपना सैंपल सबमिट करवाते हैं आप अपनी यहाँ पे साइन अप करते हैं और उसके बाद लोग जो है अपने प्रोजेक्ट ऐड करेंगे आप उन पे जो है जाके उनको सेंड कर सकते हैं जिससे प्रपोजल भेज सकते हैं सैंपल भेज सकते हैं वॉइस का अगर उनको आपकी वॉइस अच्छी लगेगी तो ऑब्वियसली वो आपको इस पर हायर कर लेंगे तो ये आपके पास दो जगह पे ऑप्शन है एक तो ये मैंने आपके साथ वॉइस वन टू थ्री जो वेबसाइट है बहुत कहते okay. ना एक, एक और चीज मैं आपको यहां पे बता देती हूँ ये जो वॉइस वन टू थ्री वाला प्लेटफॉर्म है ये भी एक अथेंटिक प्लेटफॉर्म है और फाइबर भी एक अथेंटिक प्लेटफॉर्म है अथेंटिक प्लेटफॉर्म को होने का मतलब ये है कि यहां पे जो आप काम कर रहे होते हैं जो चीजें आप यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे होते हैं उसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पैसे कोई जिस तरह से हमारे यहाँ ज्यादातर चीजें होती हैं कि हमें होता है कि हम मेहनत तो करेंगे हमें हमें काम भी करना है हमें काम करना भी आता है लेकिन हमें पैसे नहीं मिलते हैं हमारे साथ जो इश्यूज फेस uh, हमें करना पड़ रहे होते हैं वो यही होते हैं कि लोग हमसे काम करवा लेते हैं लेकिन हमें पे नहीं करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म भी और फाइबर भी बहुत हैं, बहुत सिक्योर हैं हैं अच्छे आप लोग काम कर सकते हैं इन पे और अगर आपकी वॉइस अच्छी है आप इसको रिकॉर्ड करें आप अपनी वॉइस को सिंपल आप रिकॉर्डिंग करें आपके पास वॉइस uh, रिकॉर्ड करने के वॉइस ओवर की बहुत सारी मोबाइल एप्स अवेलेबल हैं वहां पे आप बहुत दफा ऐसा होता है कि कुछ लोगों की ओ, जो वॉइस होती है वो नेचुरली जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस होती है Uh, आपको समटाइम सॉफ्ट वॉइस चाहिए होती है तो मोबाइल पे वॉइस ओवर एप्स आपके पास अवेलेबल हैं आप उन एप्स को इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी रिकॉर्ड करें उसके बाद उस वॉइस को आप उसमें फिल्टर कर सकते हैं मीन्स के फिल्टर करने का मतलब ये होता है कि अगर आपकी वॉइस बाय नेचर बहुत ही सॉफ्ट है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर आपकी स्ट्रॉन्ग वॉइस है तो आप उसको सॉफ्ट वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं जब आप, आप वॉइस ओवर कर रहे होते हैं तो उसमें सम टाइम आपको सॉफ्ट वॉइस चाहिए होती है समटाइम स्ट्रॉन्ग वॉइस चाहिए होती है तो उसके लिए जो है वो आपके पास मोबाइल एप्स भी अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं सॉफ्टवेयर तो मैंने ऐसे कभी यूज नहीं किया देखिए मोबाइल एप्स आपको वॉइस ओवर के नाम से मिल जाएंगी वो आप उसको इंस्टॉल करके उस पर काम कर सकते हैं बाकी फाइबर पे भी इसकी काफ़ी डिमांड है जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको वॉइस uh, ओवर अगर आप सिंपल लिख के सर्च करते हैं तो सिक्सटीन थाउजेंड से ज्यादा ये सर्विसेज अवेलेबल हैं उसके अलावा यहाँ पे उर्दू और हिंदी वॉइस ओवर में भी कि हिंदी हम लोग अगर लिख नहीं सकते हैं लेकिन हम बोल सकते हैं कि सिमिलर है वो कहीं ना कहीं उर्दू से तो वो आप उस चीज को कर सकते हो उसके अलावा उर्दू में भी यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीजें जो है आपके पास ऑप्शन है कि आप वो भी सबमिट करवा सकते हो तो वो आप यहाँ पे सबमिट करवाएं और ये क्रिएट करें यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस तरह से यहाँ पे उर्दू पोएट्री का आ रहा है मेल वॉइस ओवर का आ रहा है उर्दू राइटिंग का आ रहा है ट्रांसलेशन का आ रहा है तो ये चीजें हैं जो कि आप यहाँ पर आ, अपनी सेल कर सकते हैं अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं तो अगर आप में से कोई भी विलिंग हो तो इस चीज को भी आप ऐड कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आगे आपको जब गिक क्रिएट करने के हवाले से बताऊंगी तो ये वो स्किल्स है जो आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें डाटा एंट्री की स्किल भी नहीं आती है तो आपको बोलना तो आता होगा और अगर आपकी वॉइस uh, अच्छी है तो आप ये काम भी कर सकते हैं ये स्किल भी सेल कर सकते हैं ओके okay, अब मजीद आप लोगों के जो है मैं कुछ uh, यहाँ पर कमेंट ऐड कर देती हूँ उसके बाद मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे लिंक शेयर करती हूँ uh, जिसमें आप लोग जो है आप लोगों के जो लिंक्स हैं, uh, वो लिंक uh, शेयर करती हूँ जिसमें आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग में आ सकते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग का पार्ट बन सकते हैं और आपका जो भी सवाल है वो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा अच्छा जी अच्छा जी आपने पूछा व्हाट इज द फाइवर बिजनेस फाइवर बिजनेस जो है अब फाइवर पहले मैं आपको कुछ चीजें थोड़ा सा मैं आपको इसके बैकग्राउंड के हवाले से बता देती हूँ फाइवर uh, पे जो है मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ फाइवर की वेबसाइट के हवाले से फाइवर जो है बिल्कुल स्टार्ट में जब था तो इस पे सिर्फ और सिर्फ uh, फ्रीलांसिंग के हवाले से था अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फाइवर प्रो भी है फाइवर लर्निंग्स uh, का भी है क्या आप अगर कुछ स्किल्स सीखना चाहते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई स्किल ही नहीं है वो चाहते हैं कि ओके फाइन हम काम तो करना चाहते हैं फाइवर पे लेकिन हम फाइवर पे पहले तो उस पर जो है ना हम स्किल सीखना चाहते हैं हमें कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए तो फाइवर जो है वो आपको सिखाने की तरफ भी लेके जा रहे हैं क्या आप यहाँ से सीख भी सकते हैं कोर्सेज भी कर सकते हैं जो स्किल बेस्ड होते हैं मोस्टली राइटिंग से रिलेटेड जो है वो काफी सारी चीजें आपको करवा रहे हैं उसके अलावा यहाँ पे आ, फाइवर एफिलेट का भी है एफिलेट्स में फाइवर एफलेट्स डॉट फाइव एफलेट्स डॉट फाइवर डॉट कॉम जो है ये भी है जहाँ पे आप फाइवर को ही प्रमोट करते हैं और कुछ अदर सर्विसेज़ को होती है जिनको आप प्रमोट करके जो है आगे फर्दर लेके चल सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कुछ जैसे कि आपके पास ये आ रहा है कि फाइवर का प्लेटफॉर्म है फाइवर बिजनेस है जहाँ पे वर्क स्पेस डिजाइन करते हैं टीम्स होती हैं और वो टीम्स जो है वो जो है फ्री के साथ जो है उनकी कलेबोरेशन होती है जो कि प्रोजेक्ट्स को और बाकी चीजों को जो है वो आगे फर्दर लेकर चल रहे होते हैं फाइबर फ्रॉम लग फ्रॉम फाइबर है uh, आपके पास इसका भी ऑप्शन है एंड ओके अः यहाँ पे जो है ये कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो कि फाइवर के जो बिजनेसेस हैं उसमें जो है चीजें हैं और यहाँ पर जिस तरह से ये चीजें हैं आपके पास जिनको फाइवर uh, एफलेट्स uh, के हवाले से होती हैं इसमें सिर्फ आपने इनके प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करना होता है जिसपे आप अर्न कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म को uh, जो है आगे फर्दर प्रमोट करके जो है आप अर्न कर सकते हैं और बाकी फाइवर की अब काफी सारी चीजें हैं जिसमें से फाइवर बिजनेस है एफलेट्स का है लर्निंग का है पहले सिर्फ और सिर्फ फाइवर था जो कि फ्रीलांसर्स के लिए था जिसमें फ्रीलांसर जो हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे और सिंपल उस पर जो है वो काम कर रहे होते थे जी इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं आपको डेटा एंट्री के हवाले से काफी डिटेल में और आई आई रियली कल की क्लास में जो है डेटा एंट्री का जो टॉपिक है वो मैं उसको वाइंड अप कर दूं उसके बाद मैं डेटा एंट्री पे ही आपको गेक क्रिएट करना भी बताऊंगी व्हाट इज वॉइस ओवर वॉइस ओवर क्या होता है जी आपने अपनी आवाज जो है फॉर uh, एग्जाम्पल आपके पास एक uh, एक वीडियो आती है जिसमें कोरोना वायरस के हवाले से एक वीडियो बनती है उस वीडियो में जी कोरोना वायरस के हवाले से आपने एक बोल के बताना है आपको कि कहते जी मुझे अपनी एक हॉस्पिटल है उसने अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए आपने देखा होगा बहुत दफा टीवी पे और रेडियो पे जो है आपको वॉइस सुनने को मिल रही होती है कुछ तस्वीरें चल रही होती है उसके पीछे एक आवाज होती है उस आवाज को जो आवाज होती है वो कोई ना कोई सेल कर रहा हो जिसको वॉइस ओवर कहा जाता है थैंक यू जी एज uh, अ हम सैलर ही ज्वाइन करते हैं आपने इस चीज को नहीं लेना अभी आपने सिर्फ ज्वाइन करें उसको उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें uh, जो हम लोग ज्वाइन किया है वो एज uh, uh, जो फ्रीलांसर है एज अ सेलर जो है क्योंकि हम अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं ठीक है तो उस हवाले से इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो चीजें शेयर कर दूंगी और कल की क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग प्लीज अपना इंटरेस्ट शो करवाइएगा जी जी हमारी जो बिजनेस है बिजनेस है उसमें जो है वो आपको बड़ी बड़ी जो वर्क स्पेस होती हैं या फिर कंपनीज होती हैं वो फ्रीलांसर्स को हायर करती हैं उनके साथ जो है कलेब्रेशन करती हैं एंड देन जो है वो आप उसके साथ अपना प्रोजेक्ट शेयर करते हैं Uh, as a team. As a team, वो आपको प्रोजेक्ट दे रही होती है कि, कि आपके पास एक टीम है और वो आपको प्रोजेक्ट देंगी उसके अलावा इसमें काफी सारी और चीजें भी हैं है, शेयर इसमें अभी मजीद मैं ज्यादा चीजें शेयर नहीं कर रही हूँ यहाँ पर रीजन यही है कि आप लोग क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं है और जब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा फ्री के हवाले से फाइवर के हवाले से तो मैं इनशाला बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारी uh, कहते हैं ना वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग से इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगी मैम अनेबल टू क्रिएट अकाउंट व्हेन आई के एंटर द ईमेल श्योर मैं इसको देखती हूं आपने जो चीजें बताई हैं मैं इसको अपने एंड पे एक दफा ट्राई करके देख लूंगी देन मैं आपको इस हवाले से जो है मजीद गाइड कर दूंगी ठीक है क्या वॉइस ओवर को बेहतर भी किया जा सकता है कोई तरीका आ, बिल्कुल जी वॉइस ओवर को बेहतर किया जा सकता है अगर आप आ, अपनी वॉइस को खुद रिकॉर्ड करें अपनी वॉइस को खुद आप रिकॉर्ड करके उसको मल्टी टाइम सुने और एक और चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के बाद जो आपकी फैमिली में कोई मेंबर हो सकता है घर के मेंबर हो सकते हैं आ, आप उनके साथ शेयर करो आप उनसे कहें कि इसमें से कोई गलती निकाल के बताएं आप उनसे पूछेंगे जब वो तो आपको मजीद बेहतर कर सकते हैं आपको बता सकते हैं जी आपके जो लास्ट वर्ड था ना उसकी मुझे समझ नहीं आई आप मल्टी टाइम उस चीज़ को आ, रिपीट करते हैं मल्टी टाइम उसको प्रैक्टिस करेंगे जब तो आपकी जो है वॉइस दिन ब दिन जो है वो बेहतर होगी सबसे बड़ा जो मसला होता है ओवर में अल्लाह ने एक को बहुत अच्छी वॉइस दी हुई है लेकिन उसको इस्तेमाल करने का जो तरीका हम हम लफ्जों की अदायगी जो है वो हमारी अच्छी नहीं होती हमारी जो पासवर्ड नहीं होते हैं तो उसकी वजह से ये इश्यूज़ ज्यादा हमें फेस करना पड़े होते हैं कि हम अच्छे से बोल नहीं पाते हैं जी कंटेंट राइटिंग uh, क्या है कंटेंट राइटिंग जी uh, कोई भी जो आप राइटिंग लिखते हैं लिखने के जो मवाद होता है उसको राइटिंग कहा जाता है कंटेंट राइटिंग और कंटेंट राइटिंग के हवाले से मजदीद मैं इसमें चीजें भी शेयर करूंगी आपके साथ जो तो मटीरियल है जो लिखा हुआ होता है उसको हम कंटेंट कह रहे होते हैं राइटिंग जो राइटिंग वर्क होता है ओके okay, अभी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ग्रुप में लिंक शेयर कर रही हूं अगर आप में से कोई भी बच्चा जो है लाइव स्ट्रीमिंग में आना चाहता है लाइव स्ट्रीमिंग का पार्ट बनना चाहता है और अपने सवाल या कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं तो आप लोग जरूर कर सकते हैं आ, मैंने ग्रुप में जो है ये लिंक पोस्ट कर रही हूं आप सब जो है इसको ज्वाइन करके इस स्ट्रीमिंग का जो है वो हिस्सा बन सकते हैं ओके okay, ये लिंक मैंने शेयर कर दिया है आप इस पर क्लिक करके स्टीम uh, यार्ड पे जो है मेरे साथ यहां पे आ सकते हैं ओके okay, अः uh, सबसे पहले बेटा मैंने आपको उस दिन भी कहा था और आपको क्या मैंने बहुत सारे बच्चों को कहा हुआ है कि अगर आपके पास ओल्ड अकाउंट है जिसपे आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है कोई दो साल चार साल पहले आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं उसमें ऐसे कोई इश्यू नहीं है ऐसेज कोई मसला नहीं है आप उसको आगे फर्दर लेके चल सकते हैं लेकिन अगर आपने न्यू अकाउंट बनाना है तो आपके पास अब आप न्यू लैपटॉप होना जरूरी नहीं है आप पहले वाले पे भी बना सकते हैं उसका उसका तरीका कर क्या है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इस उस अकाउंट को डीएक्टिवेट करना है अकाउंट डीएक्टिवेट कैसे करते हैं ये मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगी ठीक है और आ, उसको डीएक्टिवेट कर दें Means का आप डिलीट कर रही है अपने पुराने अकाउंट को नया अकाउंट आप क्रिएट कर सकती हैं नई ईमेल एड्रेस के साथ तो वो उसी लैपटॉप पे हो जाएगा ठीक है थैंक यू जी आप सबका आप लोगों के इंटरेस्ट का आ, बाकी जो है आप मैंने लिंक शेयर कर दिया है आप में से कोई भी बच्चा जो है ऐड होना चाहता है इस लाइव स्ट्रीमिंग में और कोई भी सवाल पूछना चाहता है Uh, कोई चीज ऐसी जो मेरी साइड से मिस होगी हो वो आप लोग शेयर कर सकते हैं मैं आपको उसमें गाइड कर दूंगी वेलकम बेटा ओके आई एम वेटिंग कि आप में से कोई भी बच्चा जो है इसमें आता है इसमें ऐड होता है

अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आप कैसे हो आपको मेरी आवाज आ रही है हेलो जी जी आप प्लीज बताएं आप क्या पूछने चाह रही हो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक मैम जी जी आपको कोई सवाल मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही मैंने कहा कि आपका कोई सवाल है तो प्लीज अपना सवाल पूछो जी जी सॉरी मैम आपकी आवाज पहले क्लियर नहीं आ रही थी जी मैम मेरी क्वालिफिकेशन है एमबीए फाइनेंस है वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन मैम अब ये है कि मैंने आज से दस साल पहले जो है स्टडी किया था दस साल में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुकी हैं अब जैसे मेरी फील्ड तो है फाइनेंस की अगर मैं अपनी फील्ड को ही लेके जाना चाह रही हूँ आगे ख्वाहिश तो यही है कि अपनी फील्ड को ही आगे लेके जाऊं लेकिन बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं स्टेप बाय स्टेप अब क्या नहीं ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि उनको यूज करके हम जो है इस जो है मार्केट में इन हो सके और ज्यादा जो है इसे अर्निंग कर सकें ज्यादा प्रॉफिट ले सकें आ, बिल्कुल ऐसा ही है बहुत मैं समझती हूँ बिल्कुल आपने जिसने बताया है कि आपका स्टडी गैप जो है वो काफी ज्यादा है क्या आज से दस साल पहले आपने जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट की थी और तब और अब में जो है वो सिस्टम और चीजें बहुत ज्यादा जो है वो अपडेट हो चुकी हैं तो उसमें जो सबसे प्लस uh, पॉइंट है आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं आप सीखना चाहती हो अगर क्योंकि आपने डिग्री ली है जिस सब्जेक्ट में आपने उस टाइम पे बहुत मेहनत की होगी तो उन चीजों को ओवरकम करने के लिए आपके पास यूट्यूब है आप यूट्यूब पे अपने सब्जेक्ट से रेलीवेंट जो है चीजों को आप देखो और वहां पे आपको जो चीजें हैं बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी आपको जो कि आपको इन फ्यूचर भी प्रॉफिट दे सकती हैं सही सही इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी आ, ओके मैम एक मेरा और आ, सवाल था ये फाइवर के हिसाब के सिलसिले में ही के फाइवर पे हम अकाउंट को तो क्रिएट कर लेते हैं लेकिन आ, अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने गिग क्रिएट करनी होती है तो गिग का ऑप्शन कैसे शो होगा वो शो नहीं होता डैशबोर्ड पे हमने क्लिक भी कर दिया लेकिन उसमें गिग का ऑप्शन नहीं आ रहा तो इसकी कोई रिजन जी 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 मैं आपको बताती हूँ आपको यहाँ पे इस ट्रेनिंग में हर चीज स्टेप बाय स्टेप और बहुत मैं आ, स्लो लेके चल रही हूँ रीजन उसकी यही है कि आप जैसे बच्चों को ताकि हर बच्चे को चीज समझ में आए अगर मैं क्योंकि मुझे मेरा तो एक्सपीरियंस है इस चीज पे मैं तो आपको बहुत एक दिन में सारी चीजें करवा दूंगी मकसद उसको आहिस्ता आहिस्ता करवाने का आप लोगों का टाइम लेने का मकसद ये है कि आप सबको ये चीजें समझ में आए और आप लोग इसको आगे फर्दर प्रैक्टिकल कर सकें तो इनशाला कल की क्लास में मैं आपको करने के हवाले से बताऊंगी उसमें ऑप्शन कहाँ पे शो हो रहा होता है किस तरह से आप गिग क्रिएट कर सकते हैं ठीक है जी ओके मैम एक और मेरा ऑप्शन है कि जैसे ने तौफीक दी कि मैं शरिपेन और मैंने रिसर्च भी किया ऑनलाइन वर्किंग के सिलसिले में तीन चार महीने मैंने सिर्फ रिसर्च किया है कि कैसे होता है ये काम क्या करते हैं क्या क्या, क्या चीजें जरूरी हैं तो उसमें मैंने ये चीज एक नोटिस की है कि आप अपना वीडियो का लिंक दो अपनी वीडियोस बनाओ और बना के शेयर करो फिर आपका एम्प्लॉयर उसे देखेगा देख के फिर जो है ना उसे उससे रिलेटेड होगा तो वो फिर आपको आगे जो है ना अपने प्रोजेक्ट वाइन करेगा तो ठीक है जो तो नहीं पहनते उनके लिए तो कोई मसला नहीं है लेकिन अब हम लोग क्या करें क्या हम विद इन हिजाब जो अपनी वीडियोस बनाए बना के जो आगे फॉरवर्ड करें तो इसके बारे में थोड़ा सा जरा दे मशवरा कोई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कु मैं आपको बताती हूँ बीइंग अ मुस्लिम मैं खुद भी जो है हजाब करती हूँ मैं जब घर से बाहर जाती हूँ तो मैं हजाब करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और बिल्कुल लेकिन जब मेरी ट्रेनिंग है या मेरी क्लास होती है तो उस टाइम पे मैंने स्काफ लिया होता है 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 ठीक उस टाइम पे मेरा फेस जो है, वो नजर आ रहा होता है उसकी क्योंकि मेरी जॉब है मुझे उस तरह से और मैं मैं कंफर्टेबल उसमें फील करती हूँ वो बच्चियां जो कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं जिस तरह से आप जो है वो नहीं करती हैं तो उनके लिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ आपके पास सबसे बड़ी एग्जाम्पल जिस टाइम पे है हमारे पास तो आ, हमारे पास बहुत सारी हमारी जो मजहबी स्कॉलर्स हैं वो भी क्या कर रही हैं वो हजाब में होती हैं उनकी वीडियोस भी आ रही होती हैं और वो उस तरह से लोगों को गाइड भी कर रही होती हैं आप अपनी वॉइस के थ्रू जो है आप हजाब करें इवन मैंने अभी भी यही बात की है कि अगर आप नकाब करती हैं वो बच्चियां जो आ, वो अपनी पिक्चर नकाब में लेके अगर आ, 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 फाइवर पे लगा देंगी और बहुत सारी बच्चियों ने लगाई हुई है उनको काम भी मिलता है ऐसा नहीं होता कि फाइवर पे वो आपको कह गए ये तो मुसलमान है मैंने इसको ऑर्डर नहीं देना क्योंकि इसने नकाब किया हुआ है इसने स्काफ पहना हुआ है ऐसा नहीं होता वहां पे आपके रीजन के आपके स्किल के पे, के पे आपको काम मिल रहा होता है आप यूट्यूब पे काम कर सकती हैं आप अगर यूट्यूब पे काम करना चाहती है, वहां पे आप वीडियोस बनाएं आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं अगर आप उसमें खुद भी आना चाहती हैं आप निकाब के साथ आना चाहती हैं लोग आपको सपोर्ट करेंगे आपके कंटेंट को सपोर्ट करेंगे आप अच्छी बात रही हैं अच्छी बात सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं तो हमें डर लग रहा होता है कि शायद हम इस तरह से जाएंगे तो लोग हमें जो है वो रिजेक्ट कर देंगे ऐसा नहीं होता अल्लाह ताला ने आपके लिए जो है कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा बेशक 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 बे जी जजाक जजाक लाई खैरन कसीरा आप और आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक अच्छा काम है अल्लाह ताला तब के लिए इसमें बरकत डाले और हमारे लिए आफियत हो और आसानियाँ हो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी Thank you so much. Thank you Assalamualaikum Assalamualaikum. हैं? आप कैसे हो जीमद uh, हो गए तो okay. uh, uh, ताकि मैं अपनी uh, स्किल्स कर सको इन डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग ओके uh, तो, 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 तो आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें कि नेक्स्ट में हम इसको ये मेरे लिए, लिए हेल्पफुल रहेगा कोर्स रिगार्डिंग दिस साइंस बिल्कुल आप इस कोर्स में डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से मैं समझती हूँ एक बहुत ही कंप्लीट कोर्स है हमारा जिससे मैंने आज भी आपके साथ कोर्स कंटेंट जो शेयर किया है कि हमारे कोर्स में क्या क्या टॉपिक होंगे जो हम इसमें कवर करेंगे तो उसमें काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जिनके हवाले से आपको शायद पहले आइडिया ना हो जो कि हम प्रॉपर कर रहे होते हैं और उसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे कि हम वो चीजें नहीं करवा रहे होते हमारे हाँ यूनिवर्सिटी या हम वैसे जो हमारी तालीमी अदारे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं वो दस साल पुराना कोर्स आपको करवा रहे होंगे और हमारा जो कोर्स है वो हमारा एक्सपीरियंस बेस्ड होता है अगर फाइवर ने चीज अपडेट कर दी है तो हम वही चीज़ आपको करवा रहे होंगे जो अपडेटेड होगी क्योंकि हम, रिकॉर्डेड नहीं, नहीं होती है प्रैक्टिकल वर्क होता है आप अगर एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हो लास्ट टू मंथ से तो आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो जी बिल्कुल तो आ, आपके uh, वर्क में ही आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही होती है जिनको हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बताते हैं उसमें तो आपकी सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम मेन पर्पस ही मैम ये है कि ताकि हम जो भी अपडेटेड टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स आ रही हैं उनसे हम यूज्ड टू हो जाएं तो मेन पर्पस ही कोर्स लेने का ये है तो इस, इसी सेंस में ये मैंने पूछा था थैंक यू फॉर थैंक यू थैंक यू अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम मैम मैम कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक uh, मैम मेरा क्वेश्चन था ये कि जो हम फाइबर के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो वो अब अकाउंट जो है वो हमारे उसी लैपटॉप के ऊपर जो है वो हम यूज कर सकते हैं हम किसी और जगह पर हो सकते हैं तो हम वहां पर भी अपना जो जो अपना अकाउंट है उसे इन कर सकते हैं ओके okay, इस सवाल का जवाब मैं इस तरह से दूंगी कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास जो है आप घर में जो है वो एक लैपटॉप यूज कर रहे होते हैं और एक लैपटॉप है जो आप अपनी वर्किंग स्पेस पे यूज कर रहे हो ठीक है आपके पास जो घर में है उस पर भी आपका लॉग इन है और अगर आप वर्किंग स्पेस पे भी जाके करते हो तो उस पर भी आप लॉग इन कर लेते हो उसमें ऐसे कोई इश्यू नहीं है लेकिन ये नहीं है कि उस लैपटॉप पे आपका बार बार अकाउंट जो है वो चेंज कर रहे हो मीन्स कि आपने एक दफा एक लैपटॉप पे जो है अपना अकाउंट लॉग इन कर लिया उसके बाद कोई और आके अपना अकाउंट उस पर लॉग इन ना करे अगर आप उसको बार बार यानी कि किसी और अकाउंट को भी शिफ्ट कर रहे हो फिर उसमें नहीं है। ए, से क्या मुराद है, कि वो, जो है वो, के हो या वो रिफ्रेश भी करते रहे जिस तरह हम कहते हैं की बाहर जो है वो बिल्कुल बिल्कुल रिफ्रेश कर सकते है उसमें कोई इशू नहीं है मैम अब हम घर से जो बाहर चले गए हमारा अकाउंट जब वो लॉगिन है तो पंद्रह मिनट के बाद जब मिनट के बाद मेरे ख्याल में फाइबर जो एक्टिविटी हमारी वहाँ पर तो एक्टिविटी जो है, वो ऑफ आपने जहां पर किया हुआ है लॉग इन आपका फॉर एग्जांपल आपके घर में लैपटॉप पे लॉग इन था और आप ऐसे तो नहीं होता कि लैपटॉप ऑन छोड़ के चले जाते हैं ऑफ करके जाते हैं और जब आप कहीं जाकर ऑन करेंगे तो वो वहां पे लेगा वो उस चीज को नहीं कर रहा होता काउंट के आपने पहले भी लॉग इन किया हुआ था फ्ला जगह पे और वो चीजें बाकी ये है एक से मैंने पहले भी बताया था कि आप अगर एक जगह पे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जैसा मोस्टली होता है कि अगर आपके बहन भाई भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें उसका अपना सेपरेट लैपटॉप हो और आपका सेपरेट लैपटॉप होना चाहिए ये नहीं कि दोनों बहन भाई जो हैं वो एक ही लैपटॉप पे फ्री फाइवर का अकाउंट चला रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए अगर ये चीज हो रही होगी तो फिर वो इश्यू क्रिएट हो सकता है।, है और आप स्विच कर रहे होते हो बार क्या एक लैपटॉप के ऊपर जो हमने घर पे जो लॉग इन किया हुआ था वो हमारा लैपटॉप खराब हो जाते है अगर हम न्यू लैपटॉप ले लेते हैं तो उसके ऊपर हमारा जो है अकाउंट को लॉग इन करें तो उससे कोई इश्यू तो नहीं आएगा

तो मोस्टली वहाँ पर जो है वो ऊपर तो इससे मुराद तो ये हुँ, जी, जी।, uh, सब... जी मैम इससे मुराद तो ये है ना कि हमें जो है फिर अपनी स्किल जो है वो ग्राफिक के अंदर जो है वो उनके ऊपर ज्यादा वो करना चाहिए काम क्योंकि डाटा एंट्री की तो बहुत कम ही हमें नजर आ रही होती है ओके आपका जो सवाल है इसका जवाब ये है कि आपको जो वहां पे बाय रिक्वेस्ट मिल रही होती हैं आपको जो शो होती हैं आपकी प्रोफाइल पे वो होती ही आपकी स्किल्स और आपकी गिग के अकॉर्डिंग है आपने गिग अगर डिजाइनिंग की ऐड की हुई है तो आपको डिजाइनिंग की बाय रिक्वेस्ट मिलेंगी अगर आपने डाटा एंट्री की ऐड की है तो डाटा एंट्री की मिलेंगी अगर आपने सोशल मीडिया की ऐड की है सोशल मीडिया की मिलेंगी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बंदा जो है वो कह रहा है मैं कोडिंग कर सकता हूं मैं डेवलपर हूं और उसको डिजाइनर की जो है वो बाय रिक्वेस्ट मिल रही है ऐसा नहीं होगा क्योंकि जिसने पोस्ट करनी होती है अपने काम से रिलेटेड जब वो बायर रिक्वेस्ट पोस्ट करता है तो वो उसमें अपनी रिक्वायरमेंट स्किल ऐड कर रहा होता है कि उसने लोगो डिजाइन करवाना है या उसने वेबसाइट बनवानी है उसे डाटा एंट्री करवानी है या बैनर डिजाइन करवाना है तो जब वो अपनी रिक्वायरमेंट लिख रहा है तो उसने डाटा एंट्री करवानी है तो हाउ पॉसिबल कि वो आपको uh, अगर आप डेटा एंट्री की ऑफर कर रहे हो या आप डिजाइनिंग की कर रहे हो तो उसमें वो उस चीज को नहीं करेगा वो उसके अकॉर्डिंग ही शो होती हैं और इंशाल्लाह जब मैं आपको गिग क्रिएट करवाऊंगी उसमें भी इस चीज को मैं आगे फर्दर जो है क्लियर हो जाएगा बहुत शुक्रिया बस ये कुछ थैंक यू सो मच आपको शुक्रिया अल्लाह असलाकुम वालेकुम सलाम मैम क्या हाल है आपका ठीक है आप कैसे हो जी अलहमदल्ला टाइम लेक्चर का खत्म होने वाला है इसलिए बस एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा जी जी प्लीज वॉइस ओवर के बारे में मैंने पूछना था कि जिस तरह आपने बताया था कि जिस तरह कोरोना वायरस की अपडेट्स हैं जिसमें प्रिकॉशन वगैरह बता रहे होते हैं इस तरह डिफरेंट चीजें या हॉस्पिटल है उसने अपनी एडवर्टाइजमेंट करवानी है जी जी तो वो आप जो करके दे सकते हैं जो भी वो आ, वो ही देंगे ना मतलब अपनी चाहते हैं, वो ही बताएंगे। अच्छा इसमें ना मैं आपको बताती हूँ अगर तो आप वॉइस ओवर करके दे रहे हो ना तो फिर आपको किसी भी चीज का वो आपको कंटेंट दे देंगे कंटेंट में वो बता देते बहुत दफा होता है कि वो क्या करते जी हमारा जो फोन नंबर है ना वो आपने भेजना है उसमें आपने ये तो एक तो ये कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल डोनेशन के लिए जो कह रहे होते हैं कि आपने जो है वो अपनी एहतियात जो है वो अपनी जक़त और जितनी भी आ, है वो चीजें जो डोनेट करनी है वो इस हॉस्पिटल को करनी है और उनका जो इस आ, अगर आपने जक़त देनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं वो लाइन आपने बोल लें उसके बाद आपने कांटेक्ट नंबर जो है वो बोलना है तो ये कंटेंट जो होता है ये मवाद जो आपने बोलने के लिए आपको देंगे वो आपको वो आपको बायरी क्लाइंट दे रहा होता है ठीक है कॉन्टेंट आपने खुद से क्रिएट नहीं करना होता वो आपको जो चीजें बताएंगे कि हमारा इस तरह से है या जिसमें फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट्री आपसे बनवाते हैं और डॉक्यूमेंट्री की वॉइस ओवर करवानी तो वो आपको लाइनें देंगे ये लाइनें हैं जो आपने बोलनी हैं इस लाइन का अच्छा, वो ए, जी, जी, जी जी वो कांटेक्ट वो देंगे तो उसको रिकॉर्ड करके हम जो है वो उन्हें मतलब एज ए सैंपल भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमें पहले ये लाइनें जो हैं वो रिकॉर्ड करके भेजें ताकि हम चेक कर बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है वो आपसे कह सकते हैं जी आप हमें समटाइम तो ये होता है कि वो अपना कंटेंट भेज देते हैं कि एज अ सैंपल ये हमें पहले रिकॉर्ड करके भेजते हैं और समथिंग ऐसे होता है कि आपने आपने खुद से रिकॉर्ड करके एक सैंपल उनको भेज देना होता है थीके? ठीक है आ, आप उनको भेजते हो या आपने प्रीवियस जो वर्क किया होता है वो एज अ सैंपल आप भेज देते हो समाइम होता है कि मे uh, बी वो आपसे पहले अपना काम ही करवा ले एज अ सैंपल आपसे लेके तो इसलिए भी आपने उसको जो है वो उसका सैंपल नहीं करते सैंपलिंग पे तो जो है वो समटाइम आप अपना प्रीवियस वर्क या आपने जो खुद से एक क्रिएट करके सैंपल सेंड कर देते हो क्लाइंट को तो तो उसको अगर पसंद आ जाता है तो वो फिर आपको हायर करेगा और आपसे वो काम करवाएगा देन आपको पेमेंट कर देगा

अस्सलाम वालेकुम हिना अपना माइक जो है वो अनम्यूट करो वालेकुम अस्सलाम मैम कैसी हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसी हो ठीक अल्लाह का शुक्र मैम मेरा एक ही क्वेश्चन है वो ये फाइवर के अकाउंट से रिलेटेड है जी जी पूछो मैम मैं ठीक हूँ मेरा जो क्वेश्चन है वो फाइवर अकाउंट से रिलेटेड है ताकि केस अगर हमारा फेसबुक अकाउंट वगैरह किसी वजह से वो ब्लॉक होता है तो उसका इफेक्ट हमारे फाइवर अकाउंट पे ना हो लेकिन जब हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो हम उसके अंदर जब हम वो जो मल्टीपल अकाउंट्स हैं वो हम उसको लिंक uh, करते हैं फाइवर के साथ तो उसका तो कोई वो डायरेक्ट वो अगर हम उस, उन अकाउंट्स में से कोई हमारा बंद होता है, तो उसका इफेक्ट तो नहीं होगा उस पे फाइबर नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं होगा उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता क्योंकि वो भी तो लिंक ही होते हैं ना उनके साथ ये हाँ, फाइबर के साथ बिल्कुल वो प्रोफाइल पे होते हैं वो लॉगिन के लिए तो नहीं लिंक होते ना इसलिए उसका ऐसे कोई इंपैक्ट नहीं होता तो उसका उन सबका अगर मतलब उसका कोई आ, हमें कोई ऐसा कोई फायदा होगा कि हम ज्यादा मल्टीपल अकाउंट को हम आ, उसके साथ लिंक करें अच्छा, या जो ऑलरेडी है बस उन्हीं को ही कर दे नहीं नहीं मैं आपको बताती हूँ जो आपके पास है आप उनको भी कर सकते हो और अगर समटाइम अगर आपके पास नहीं है तो आप वो क्रिएट करके भी कर सकते हैं उसमें ये होता है जिस तरह से आपका फेसबुक का प्रोफाइल है या फिर आपकी ट्विटर प्रोफाइल है उस पर आप अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने दी हुई है तो क्लाइंट को आप यहाँ पे तो अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते ना अगर वो आपकी हाँ, उस प्रोफाइल हाँ। लिंक पे क्लिक करता है तो वो आपकी उस प्रोफाइल को भी रिव्यू कर सकता है जी ठीक है ठीक है थैंक यू हाँ थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू अल्लाह हाफिज ओके थैंक यू सो मच आप सब लोगों का हमारी क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है ऊपर काफी थोड़े टाइम ऊपर पांच मिनट ऑलमोस्ट होने वाले हैं तो थैंक यू सो मच आप सबके इंटरेस्ट का आप लोगों ने इतना टाइम दिया और इनशाला कल आप लोगों से दोबारा यहीं से क्लास को जो है वो कंटिन्यू करते हैं आप लोग अपना रिस्पॉन्सरूस दिया करें आ, क्लास के हवाले से भी और टॉपिक के हवाले से भी थैंक यू सो मच मैं इनशाला जितनी भी आप लोगों की क्यूरीज है और जो कमेंट्स मैंने अभी ऐड नहीं किए मैंने उनको पढ़ लिया है मैं कल की क्लास में जो है इनका आंसर कर दूंगी थैंक यू अल्लाह